नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। यह है अन अकेडमी के लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी में और मैं हूं आपके साथ सुमित। दोस्तों यहां पर शुरू करते हैं अपना स्पेशल सेशन जिसके अंदर आज हम पेंटिंग्स को करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं पेंटिंग्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि आर्ट एंड कल्चर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहां पर एक समस्या स्टूडेंट्स को यह आती है क्योंकि जब पेंटिंग्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, बहुत सारा कैटेगराइजेशन होता है, उसकी वजह से हमें पेंटिंग्स समझ नहीं आती हैं। तो यहाँ पर हमारा सेशन जो है शुरू हो चुका है, सेशन से जुड़ेंगे और सभी सेशन को यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। तो भी एक बार बताएंगे क्या आवाज और मेरी वीडियो आपको क्लियर आ रही है, ठीक है। चलिए तो सेशन को शुरू करते हैं दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। पेंटिंग्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं 2024 के पेपर के लिए इसको कवर कर रहे हैं और हर ट्यूजडे, थर्सडे और शनिवार को हमारी कोशिश रहती है स्पेशल सेशन में एक टॉपिक को कंप्लीट कवर किया जाए। ये टॉपिक एक लंबा टॉपिक है, हो सकता है वीडियो थोड़ी यहां पर लंबी बने, लेकिन इस पूरी वीडियो में कोशिश रहेगी कि एक वीडियो में जो पेंटिंग्स के अंदर जितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब यहां पर कवर की जाएगी। एंड टू एंड ये टॉपिक आपका कवर होगा पेंटिंग्स का इस पूरी वीडियो के अंदर, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सेशन की और अगर आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। 2018 का अगर पेपर देखेंगे तो बनी ठनी थीम कौन सी पेंटिंग की है ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं किशनगढ़ स्कूल, ये सारी चीजें आपको समझ आएगी जैसे ही आप वीडियो को कंप्लीट करेंगे, एंड में आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके अलावा अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर बुद्धिस्ट जो पेंटिंग्स हैं उनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बोधिसत्व पे क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, बोधिसत्व की पेंटिंग कौन सी, पदमपनी बोधिसत्व जो है उनके ऊपर जो पेंटिंग है अजंता की गुफा में उसके ऊपर यहां पर पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का। इसके अलावा और भी पेंटिंग्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर शुरू करते हैं अपना सेशन और दोस्तों सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, जो भी दोस्त कॉम्प्रीहेंसिव बैच में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले एनसीईआरटी को पढ़कर अपनी फाउंडेशन को स्ट्रांग कर लें, ऐसे दोस्तों के लिए स्पेशल एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया गया है और इसे एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा गया है ताकि सभी स्टूडेंट्स, खासतौर पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, इसको अवेल कर पाएं, इसका बेनिफिट ले पाएं और एनसीईआरटी के थ्रू अपनी जो फाउंडेशन है उसको स्ट्रांग करें प्रेपरेटरी लेवल पर और फिर यूपीएससी में आप फिर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज और बाकी सब्जेक्ट्स को, रेफरेंस बुक्स को आप देख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो छठी से बारहवीं तक की एनसीईआरटी को स्ट्रिक्टली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कवर किया जाता है कि भाई प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा हम यहां पर यह भी देखते हैं कि भाई एसे के अंदर एनसीईआरटी कैसे हमें फायदा पहुंचा सकती है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही नहीं एसे के रिगार्डिंग भी एनसीईआरटी में आपको बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारी स्टोरीज मिलती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, वो भी हम यहां पर देखते रहते हैं। अगर आपको इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज में रखा गया है, यहां पर कोड लगाएंगे SMKLIVE, ठीक है। तो SMKLIVE कोड आप लगाकर इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी यहां पर टॉप एजुकेटर्स आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी के वो यहां पर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो कोड लगाएंगे SMKLIVE। इसके अलावा 50% डिस्काउंट अभी सभी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस पर चल रहा है, यानी कि बेसिक फाउंडेशन से आपको जीरो से तैयारी कराई जाएगी, वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है, टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको मिलता है, लेक्चर्स के अनलिमिटेड एक्सेस मिलते हैं, चाहे इंग्लिश मीडियम का बैच हो, चाहे हिंदी मीडियम का या फिर बायलिंगुअल का, सभी पे 50% डिस्काउंट, 6 महीने का एक्सटेंशन चल रहा है, कोड लगाना होगा SMKLIVE, ठीक है। चलिए तो अब यहां पर शुरू करते हैं पेंटिंग्स को, लेकिन पेंटिंग्स पढ़ते वक्त सबसे बड़ी जो समस्या रहती है, और ऐसा ही आपने देखा होगा जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, उसमें जब हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो आर्किटेक्चर में भी ऐसी ही एक समस्या आपको देखने को मिलती है जो हमें सेम पेंटिंग्स में देखने को मिलती है, और वो क्या है, वो है पहले कैटेगराइजेशन को ना समझना। कैटेगराइजेशन जब हम नहीं समझते हैं तो हमें यह नहीं पता चलता है हम किस तरह की पेंटिंग्स को पढ़ रहे हैं, और फिर उन पेंटिंग्स को हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता होता ये किस कैटेगरी की पेंटिंग्स हैं, और बाद में इधर की पेंटिंग्स उधर मिक्स हो जाती है, इस थीम की पेंटिंग उस थीम में और एक कैटेगरी की पेंटिंग दूसरी कैटेगरी में मिक्स हो जाती है। तो ओवरऑल अगर पेंटिंग्स को देखेंगे तो पेंटिंग्स की शुरुआत भारत के अंदर बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने काल, यानी कि स्टोन एज से ही हो जाती है, जब इंसान पत्थरों पर आधारित जीवन जीता था, यानी कि इंसान के जीवन के अंदर जितने औजार बनते थे पत्थरों से जुड़े हुए होते थे, ऐसे में यानी कि स्टोन एज, पाषाण युग से भी इंसान ने पेंटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे मुरल केव पेंटिंग्स, यानी कि जब इंसान ने गुफाओं में दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई
और एक तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मिलेगी, उसके अलावा सुंदर सुंदर और डेवलप्ड पेंटिंग्स बनाई वो यहां पर पढ़ेंगे। इसके अलावा मिनिएचर पेंटिंग्स आप देखेंगे, यानी कि जब भारत के अंदर मेडिवल एज आया और खासतौर पर आप देखेंगे भारत के अंदर अलग अलग जो डायनेस्टीज थी जिसमें राजा महाराजाओं के चित्र आपको देखने को मिलते हैं, राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सारी पेंटिंग्स मिनिएचर पेंटिंग्स में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा मॉडर्न पेंटिंग्स पढ़ेंगे, फिर भारत के अंदर अंग्रेजों के जमाने में मॉडर्न पेंटिंग्स, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट और पेपर में कई बार पूछे जाना वाला जो चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा पेपर में आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है फोक पेंटिंग्स। ठीक है, तो यहां पर एक के बाद एक कैटेगरी को हम पढ़ेंगे, डील करेंगे, और यकीन मानिए दोस्तों इस क्लास के एंड होते होते आपके दिमाग में सारी कैटेगरीज जो है दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो जाएगी, क्योंकि हम कई बार इस चार्ट को रिपीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें अगर पेंटिंग्स की, तो भारत के अंदर आखिर पेंटिंग्स आपको कब से होती हुई नजर आती हैं? भारत के अंदर पेंटिंग्स का इतिहास बहुत पुराना है, एंशियंट टाइम से ही पेंटिंग्स भारत में हो रही है। ठीक है, और अगर यहां पर बात करें एंशियंट टाइम में, कई बुक्स जो है आपको पुराने जमाने की वो भी ये बताती हैं कि पेंटिंग्स भारत में एंशियंट फेज से ही हो रही है। एंशियंट हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं और एक मिडिवल हिस्ट्री, तो मिडिवल हिस्ट्री का मतलब है लगभग हम 750 AD के बाद की बात कर रहे हैं। एंशियंट टाइम के मतलब है 750 AD से पहले, यानी कि आज से अगर 1000 साल पहले जाएंगे पीछे तब भी आपको भारत में पेंटिंग्स बनती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा मिनिएचर स्टाइल जो है ये आपको देखने को मिलेगा मिडिवल टाइम के अंदर, खास तौर पर मुगल्स और फिर उस समय जो डायनेस्टीज मिलेंगी, उस समय साम्राज्य मिलेंगे, उन राजा महाराजाओं के जो चित्र होते थे वो मिनिएचर पेंटिंग पर आधारित होते थे। तो भारत में एंशियंट समय से ही पेंटिंग्स हो रही है, मिडिवल जमाने में भी पेंटिंग देखने को मिलती है, और सबसे पहले अगर आप देखेंगे पेंटिंग्स तो आपको स्टोन एज से ही देखने को मिलती है, जैसे भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलेगी, पंचमढ़ी में आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें, हड़प्पा सभ्यता के अंदर अगर मटकों के ऊपर, पॉटरीज के ऊपर भी कुछ अगर पेंट किया गया है, डिजाइन किया गया है, तो वो भी एक तरह से पेंटिंग का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर हड़प्पा सभ्यता को अगर देखेंगे, कब एग्जिस्ट करती थी हड़प्पा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता आज से 3500 से 1500 BC के बीच में एग्जिस्ट किया करती थी। तो अगर आप इतना पीछे जाएंगे, यानी कि अगर आप 4500 साल के आसपास पीछे जाएंगे, तो भी आपको मटकों के ऊपर, पॉटरीज के ऊपर जो हड़प्पा सभ्यता में पेंटिंग होती थी, वो भी आप उसको पेंटिंग का ही नाम देंगे। इसके अलावा गुप्ता काल की अगर बात करें, तो गुप्ता काल के जमाने में, गुप्ता काल को वैसे ही भारत के आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर का गोल्डन एज माना जाता है, तो गुप्ता काल के जमाने में भी आप देखेंगे अजंता की गुफाओं में बहुत सुंदर सुंदर दीवारों पर पेंटिंग्स बनाई गई। तो गुप्ता काल लगभग आज से 1500 साल पहले आपको देखने को मिलता है, तो 1500 साल पहले भारत में गुफाओं पर बहुत सुंदर सुंदर दीवारों पर पेंटिंग्स बन रही थी। इसके अलावा आपको पेंटिंग का ऑफिशियली अगर कहीं रेफरेंस मिलता है कि भाई किस तरह से पेंटिंग एक कला के रूप में उसको बताया गया है, पेंटिंग एक आर्ट फॉर्म के रूप में उसे बताया गया है, वो है बुक कामसूत्रा। वात्स्यायना के द्वारा कामसूत्रा लिखी गई है, और इसके अंदर पेंटिंग के षडांग यानी कि 6 पार्ट, 6 लिम्ब्स या प्रिंसिपल, पेंटिंग करने के 6 महत्वपूर्ण प्रिंसिपल बता रखे हैं, और ये इनको कहा जाता है षडांग ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, षडांग यानी कि एक पेंटिंग के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से होते हैं। तो कभी भी अगर पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आए, तो आप उसके अंदर मेंस में अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के अंदर हिस्टोरिकली बताइए पेंटिंग्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक खास प्रकार की पेंटिंग आपसे पूछेगा कि भाई इस पेंटिंग के बारे में बताइए, मेंस में बोल सकता है भारत के अंदर पेंटिंग्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से। ठीक है, तब आप उसके अंदर यहां पर इसका रेफरेंस जरूर देंगे। अगर आप सारी चीजें ना भी बताएं तो एटलीस्ट आपको यह बताना होगा कि वात्स्यायना का जो कामसूत्र बुक है उसके अंदर षडांग बताए गए हैं प्रिंसिपल ऑफ पेंटिंग्स, जिसके अंदर यहां पर पोर्ट्रेयल ऑफ लाइकलीनेस ऑफ ए सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को दिखाने के लिए यहां पर सादृश्यम प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है, क्रिएशन ऑफ लस्टर एंड ग्लीम विद द कलर्स, कलर्स की चमक दिखाने के लिए भाव का इस्तेमाल होता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है उसका? भाव। मिक्सिंग ऑफ कलर्स टू रिजेंबल द इफेक्ट्स ऑफ मॉडलिंग, कलर्स को मिक्स करके कुछ यहां पर अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसको वर्णिक भंग कहा जाता है। उसके अलावा प्रोपोर्शन ऑफ द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स यहां पर देखने होंगे, इसको कहा जाता है प्रमाणम। ठीक है, यानी कि आप किसी भी पेंटिंग में किस साइज के सब्जेक्ट्स को बना रहे हैं, किस साइज के चीजों को बना रहे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट यहां पर रोल प्ले करता है। उसके अलावा इमोशंस जो है पेंटिंग को देख के उभरने चाहिए, उसको यहां पर बोलते हैं लावण्य योगम।
उसके अलावा वेराइटी ऑफ फॉर्म्स पेंटिंग में होने चाहिए, उसे कहते हैं रूप भेद। तो यहां पर पहली बात याद रखेंगे, शाडांग्स जो है ये पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, शाडांग प्रिंसिपल पेंटिंग से जुड़े हुए हैं। प्रिलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शाडांग जो प्रिंसिपल है ये पहली बात किससे जुड़ा हुआ है, दूसरा, या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि आपको मैच करने के लिए चीजें दे सकता है, तो एक बार इन पर नजर जरूर डालेंगे, ठीक है, कि भाई ये पूछ लेगा, ऐसे भी पूछ सकता है, क्या देगा, सादृश्यम भाव वर्णिक भंग, ये तीन टर्म आपको दे देगा, सिर्फ तीन टर्म दे देगा और बोलेगा कि बताइए ये जो तीन टर्म है ये इनमें से किस चीज से जुड़ी हुई है, ये डांस से जुड़ी हुई है, ये थिएटर से जुड़ी हुई है, ये पेंटिंग से जुड़ी हुई है, या फिर कथा सुनाने के तरीके से जुड़ी हुई है, इस तरह से आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि टर्म बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी के फेवरेट है, यूपीएससी टर्म बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, वो एक शब्द आपको दे देगा, कहेगा बताइए ये शब्द जो है इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए टर्म बेस्ड क्वेश्चन यहां से बनने का एक अच्छा स्कोप आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं इनको भी याद रखेंगे, बोल देगा लावण्य योगम और प्रमाणम, ठीक है, या फिर वर्णिक भंग, इन तीन को दे देगा, कहेगा बताइए तीन टर्म इनमें से किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हमने देखा शाडांग जो प्रिंसिपल है वो पेंटिंग के हैं, और किसने दिए हैं शाडांग प्रिंसिपल, वो कामसूत्रा के अंदर वात्सायना ने दिए हैं, ठीक है, तो यहां पर इस चीज को याद रखेंगे। हो सकता है कामसूत्रा के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछे, तो ये एक सेक्युलर लिटरेचर का पार्ट है, दूसरा गुप्ता जमाने में लिखी गई है, तीसरा वात्सायना के द्वारा लिखी गई है, और चौथा ये एक इरोटिक लिटरेचर है, पांचवा इसके अंदर पेंटिंग के प्रिंसिपल्स भी बताए हुए हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके अलावा यहां पर कहता है कि भाई बाकी अगर आप देखेंगे कई सारे आपको वैदिक लिटरेचर, ठीक है, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी आपको पेंटिंग्स का जिक्र आपको कई बार देखने को मिलता है। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो कहता है कि कई सारी कथाएं जो है भारत के अंदर जो प्रचलित रही हैं उनको कपड़े के ऊपर दिखाने की भी कला हमेशा से बनी रही है, जिनको कहा जाता है लेप्या चित्र। भारत के अंदर जैसे कागज की एंट्री तो बाद में हुई, मिडिवल जमाने में कागज पर बाद में पेंटिंग्स बनने लगी, कागज पर बाद में चीजें लिखी जाने लगी, उससे पहले चीजों को कैसे लिखा जाता था, या तो पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था, पत्ते पर लिखा जाता था, या फिर कपड़ों के ऊपर चीजों को लिखा जाता था या पेंटिंग बनाई जाती थी। तो अगर आप यहां पर देखेंगे कई सारी कथाएं जो है उन्हें कपड़ों के ऊपर भी दिखाया गया है, जिन्हें कहा जाता था लेप्या चित्र, ठीक है, तो याद रखेंगे लेप्या चित्र कपड़े पर की गई पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और कई पुरानी कथाएं जो है जैसे रामायण महाभारत उनको दिखाया जाता था। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें गुप्ता जमाने का एक टेक्स्ट है, ठीक है, विशाखा दत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षसा, ठीक है, गुप्ता जमाने में विशाखा दत्त एक स्कॉलर थे जिन्होंने मुद्रा राक्षस एक प्ले लिखा, एक नाटक लिखा, जो कि यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है, मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की, और यहां पर चाणक्य ने उनकी इसमें पूरी मदद की, और इसके अंदर नाटक के अंदर पेंटिंग्स के थ्रू चीजों को दर्शाया गया है, और इन पेंटिंग्स को कहा गया है पटाज, ठीक है, तो कई पेंटिंग्स की मदद लेकर टेक्स्ट को इलैबोरेट किया गया है। दोस्तों आप खुद सोचिए, आप अगर कोई किताब पढ़ते हैं, कोई भी किताब एक्स वाई जेड आप उठाइए, अगर उस किताब के अंदर पेंटिंग्स होती हैं, डायग्राम्स होते हैं, तभी वो चीज हमें अच्छे से समझ आती है, हमारा इंटरेस्ट उसमें डिवेलप होता है, हमें चीजें क्लियर कट दिखती हैं, हमारी इमेजिनेशन को बूस्ट करती है पेंटिंग्स। वरना अगर आप टेक्स्ट पढ़ेंगे और अगर आप टेक्स्ट ही शब्द पढ़ते जाएंगे और शब्दों से आप इमेजिन करेंगे, लेकिन अगर आपको पेंटिंग कहीं दिख जाए या फोटो कहीं पर दिख जाए बुक के अंदर, तो वो आपकी रीडिंग को एनहेंस करती है, वो आपकी इमेजिनेशन को स्ट्रांग करती है, साथ ही में वो आपको क्लैरिटी देती है, हाँ भाई इस पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। तो यहां पर अगर बात करें, कई बार बाद में ये देखा गया कि जो टेक्स्ट होता था, जो चीजें लिखी होती थी, उनमें बाद में पेंटिंग्स ऐड की गई, ठीक है, तो ऐसे ही यहां पर आप देख सकते हैं विशाखा दत्त के नाटक में पटाज यानी कि पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये था ओवरऑल इंट्रोडक्शन कि पेंटिंग्स आपको कहां कहां देखने को मिलती है। अब यहां पर देखें सबसे पहली क्या है, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अगर आप इस कैटेगरी को देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिखती है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो सबसे पहले प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स हम पढ़ने जा रहे हैं। कहता है ये वो पेंटिंग्स होती हैं जो कि गुफाओं में चट्टानों पर की गई है प्री हिस्टोरिक मैन के द्वारा।
प्री हिस्टोरिक मैन क्या होता है, प्री हिस्टोरिक समय कौन सा होता है। प्री हिस्टोरिक हम उस समय को कहते हैं जब इंसान ने लिखना नहीं सीखा था, यानी कि उसके पास कोई भाषा के शब्द वगैरह नहीं थे, तो वो लिखता नहीं था और हम कुछ पढ़ भी नहीं पाए तब के जमाने का। तो हम जो भी देखते हैं बस हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं कि उस जमाने का इंसान किस तरह के औजार इस्तेमाल करता था, कहां पर रहता था, उससे हम लाइफस्टाइल पता करते हैं। लिखकर इंसान कुछ नहीं गया, तो कुछ लिखा नहीं गया तो हमने पढ़ा भी नहीं। तो ऐसे फेज को कहते हैं प्री हिस्टोरिक फेज, जहां पर कुछ भी लिखने का आपको सोर्स, कुछ भी लिखने के सबूत नहीं मिलते हैं। तो यहां पर प्री हिस्टोरिक जमाने में लेकिन इंसान पेंटिंग करना जरूर सीख गया था। वो भाषा के रूप में कुछ लिखकर नहीं गया लेकिन वो पेंटिंग करके गया। तो पेंटिंग जो है आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेस करने का भी एक तरीका है। और ऐसी इंसान ने जब दीवारों पर गुफाओं में पेंटिंग्स की, इनको कहा गया पेट्रोग्लिफ्स। और ये गुफाओं में इंसानों ने प्री हिस्टोरिक मैन ने की, इसको पेट्रोग्लिफ्स कहा गया। ठीक है, तो याद रखेंगे कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपसे कीवर्ड पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेट्रोग्लिफ्स का मतलब क्या है, या फिर प्री हिस्टोरिक पेंट जो है इसको, पेंटिंग जो है इसको पेट्रोग्लिफ्स भी कहते हैं। या फिर मेंस में अगर क्वेश्चन पूछता है पेंटिंग्स के एवोल्यूशन पे, तो आपको पेट्रोग्लिफ शब्द जो है इसका इस्तेमाल करना होगा। कहता है पहला रॉक पेंटिंग, पहली रॉक पेंटिंग कहां पर डिस्कवर की गई थी, तो ये आपको सुहागी घाट के अंदर कायमूर हिल्स उत्तर प्रदेश में पहली बार रॉक पेंटिंग्स को डिस्कवर किया गया था 1867 के अंदर। तो इस चीज को याद रखेंगे, पहली बार रॉक पेंटिंग्स अगर कहीं डिस्कवर की गई तो 1867 में सुहागी घाट के अंदर यूपी में इसको डिस्कवर किया गया। इसके अलावा सबसे ज्यादा मात्रा में अगर आपको पेंटिंग्स कहीं देखने को मिलती है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, तो वो आपको देखने को मिलती है भीमबेटका के अंदर। तो इस चीज से कंफ्यूज नहीं होंगे, भीमबेटका के अंदर आपको भारी मात्रा में यानी कि पेंटिंग्स की संख्या ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर सबसे पहली पेंटिंग खोजी गई थी तो वो कौन सी थी, सुहागी घाट में। ठीक है, चलिए इसके अलावा कहता है कि ये जो पेंटिंग्स थी भीमबेटका की गुफाओं में, ये जो डिस्कवर की गई थी 1957-58 में, इनको V.S. वाकनाकर जी ने डिस्कवर किया था, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। और आपको भीमबेटका की गुफाओं में पेंटिंग्स जो मिलती है उसके अंदर आपको कई जानवर देखने को मिलते हैं, इंसान शिकार करते हुए दिख रहे हैं, जानवरों के आगे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरह से आपको पेंटिंग्स दिखती है, जहां पर आपको राइनोसोरस, कैटल, स्नेक, ठीक है, हिरन, बारासिंगा, ये सब आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सांप वगैरह सब मिलता है। तो इसीलिए भीमबेटका की गुफाओं को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है। तो भीमबेटका की गुफाओं को जू रॉक शेल्टर भी कहा जाता है, इस चीज को याद रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा कहता है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की आपको बेसिकली तीन मेजर फेजेस देखने को मिलते हैं। पहला जो है वो है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक मतलब, यहां पर अगर बात करें अपर पैलियोलिथिक यानी कि स्टोन एज का, स्टोन एज में आपको तीन कैटेगराइजेशन मिलता है। अगर बात करें स्टोन एज की, तो स्टोन एज आपको इस तरह से देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको मिलेगा पैलियोलिथिक, फिर मिलेगा मीजोलिथिक, फिर मिलेगा आपको नियोलिथिक। और सबसे पुराना जो समय है स्टोन एज का, उसे कहते हैं पैलियोलिथिक। ये बहुत पुराना समय है। पैलियोलिथिक को भी डिवाइड किया गया है तीन हिस्सों में, अपर, मिडल एंड लोअर। लोअर मतलब सबसे नीचे की लेयर, मिडल मतलब उससे ऊपर की लेयर, और अपर मतलब थोड़ी और ऊपर की लेयर। तो अगर पैलियोलिथिक जमाने के नए फेज को बताना है, अपर लेयर से दिखाएंगे। पैलियोलिथिक जमाने के ओल्डेस्ट फेज को दिखाना है तो ओल्ड यहां पर लोअर लेयर में दिखाएंगे। तो अगर बात करें पैलियोलिथिक, सबसे पुराना समय है स्टोन एज का, और उसके अंदर भी सबसे पुराना कौन सा है, लोअर पैलियोलिथिक। और अगर हम अपर पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पैलियोलिथिक में ऊपर की लेयर की बात कर रहे हैं, थोड़े एडवांस स्टेज की बात कर रहे हैं। तो पैलियोलिथिक का जो अपर फेज था, यानी कि लेट, अगर बात करें पैलियोलिथिक, जब पैलियोलिथिक का सबसे लेटेस्ट जो फेज था, उसके अंदर इंसान ने शुरू कर दी थी पेंटिंग करनी, और यही पेंटिंग्स आज हमें गुफाओं की दीवारों पर देखने को मिलती है। और नेचुरल मिनरल्स का कलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेचुरल मिनरल जैसे कि ओकरे, जिनको गेरू भी कहते हैं, जिसको ये नेचुरल मिनरल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता था। और कैसे, इसको लाइम के साथ, चूने के साथ मिक्स करके, पानी के साथ मिक्स करके इंसान दीवारों पर पेंटिंग बनाया करता था। ओकरे क्या होता है, ये आयरन और ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला मिनरल है, जैसे कि हेमेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। आयरन ओर से निकले हुए जो
अलग अलग मात्रा में उसमें ऑक्साइड की जो मात्रा होती है उसकी वजह से उसमें ऑरेंज कलर, येलो कलर, उसके अलावा रेड कलर, इस तरह से ओकरे अलग अलग शेड्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आयरन और उसके ऑक्साइड से ये मिनरल बनता है। इसके अलावा आपको यहां पर इंसान शिकार करता हुआ दिखेगा जानवरों के आसपास, इस तरह से आपको पेंटिंग्स की थीम देखने को मिलती है भीमबेटका की गुफाओं में। अब अगर आप यहां पर देखें तो भीमबेटका की गुफाओं में इस तरह से पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है जैसे इंसान जानवरों के ऊपर सवारी कर रहा है, उसके अलावा ग्रुप में इंसान घूम रहा है और साथ में घोड़े की सवारी कर रहे हैं, ठीक है, घोड़े या फिर घोड़े जैसा कुछ यहां पर आप कह सकते हैं, घोड़े जैसा कुछ आपको यहां पर जानवर देखने को मिलता है। एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता कि घोड़ा है ये क्या है, क्योंकि भारत में घोड़े के सबूत आपको हड़प्पा सभ्यता तक देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद जब भारत के अंदर आर्यंस आते हैं तब हमें घोड़े के अवशेष भारी मात्रा में मिलते हैं। अगला जो यहां पर आपको फेज देखने को मिलेगा वो है मीजोलिथिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक फेज की अगर बात करें तो मीजोलिथिक फेज जो है ये आपको देखने को मिलता है कहां पर, स्टोन एज में, यहां पर मिडल जमाने में ही, ठीक है। तो मीजोलिथिक जो फेज है ये आपको देखने को मिलता है मिडल स्टोन एज। तो मिडल स्टोन एज के अंदर यहां पर रेड कलर मेनली इस्तेमाल होता था। इसमें पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, स्मॉलर पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। सोहागी घाट इसका एक कॉमन एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश के सोहागी घाट में यहां पर आप देख सकते हैं मीजोलिथिक जमाने की पेंटिंग्स आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा चैल्कोलिथिक फेज जो है, चैल्कोलिथिक फेज वो फेज है जहां पर इंसान स्टोन तो इस्तेमाल करता ही था, औजार में रूप में पत्थर के साथ साथ कॉपर का इस्तेमाल करना भी इंसान सीख गया था, यानी कि इंसान ने सबसे पहला मेटल जो इस्तेमाल करना सीखा था वो था कॉपर, ठीक है, वो था कॉपर। कॉपर और पत्थर का इस्तेमाल करने वाला ये जो फेज था इसमें भी इंसान पेंटिंग आपको करता हुआ नजर आएगा, और यहां पर पेंटिंग्स में ग्रीन और येलो कलर आपको भारी मात्रा में इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा। बैटल सीन्स यहां पर देखने को मिलेंगे, साथ में यहां पर आपको इंसान घोड़े और एलिफेंट का राइड कर रहे हैं, इस ऐसी कुछ चित्र आपको देखने को मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको कहां पर देखने को मिलता है, नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। इसके अलावा चैल्कोलिथिक फेज के अंदर यह भी दिखाया गया है कि जैसे कुछ सुखाने के लिए रखा गया हो और वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो हिरन की खाल है, क्योंकि हिरन की खाल पर जैसे स्पॉट होते हैं, ठीक है, ऐसे आपको देखने को मिलेगा कि इंसान जैसे कि खाल सुखा रहा हो और उसका इस्तेमाल करेगा। तो यहां पर खाल सुखाने के चित्र देखने को मिले हैं, इससे पता चलता है उस जमाने का व्यक्ति जो है स्किन टैनिंग यानी कि टैनिंग ऑफ स्किन यानी कि जानवर की खाल उतार कर उसका इस्तेमाल करना, ये टेक्निक इंसान सीख चुका था बहुत ज्यादा अच्छे से। तो चित्र में इसको दिखाया भी गया है चैल्कोलिथिक फेज में, और आपको यहां पर देखने को मिलेगी इस जमाने की कुछ पेंटिंग्स छत्तीसगढ़ के अंदर जोगीमारा केव्स के अंदर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की जोगीमारा जो केव्स हैं उसके अंदर आपको चैल्कोलिथिक फेज की पेंटिंग्स देखने को मिलती है, याद रखेंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर चितवा डोंगरी में भी आपको ये पेंटिंग्स देखने को मिलती है, और एक पेंटिंग आपको चितवा डोंगरी में जो देखने को मिलती है वो ये कि यहां पर कोई व्यक्ति है जिसकी आंखें चाइनीज लोगों जैसी है और वो गधे के ऊपर सवारी कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह की आपको चीजें पेंटिंग्स देखने को मिलती है चैल्कोलिथिक फेज में। अब यहां पर याद रखने वाली दो चीजें हैं, एक जोगीमारा केव और एक चितवा डोंगरी, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे, इन दोनों नाम को याद रखेंगे। नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश के अंदर चैल्कोलिथिक फेज की आपको पेंटिंग्स जो दिखती है उसके एग्जाम्पल आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स कर ली जिसके अंदर हमने पैलियोलिथिक पेंटिंग्स देखी, मीजोलिथिक पेंटिंग्स देखी और चैल्कोलिथिक फेज की पेंटिंग्स हमने यहां पर देखी, ठीक है, चैल्कोलिथिक फेज की हमने पेंटिंग्स यहां पर देखी। इसके बाद अब हम जो सेकंड कैटेगरी करेंगे वो है मुरल पेंटिंग्स। मुरल पेंटिंग्स की अगर बात करें तो आखिर मुरल पेंटिंग्स क्या होती है? अभी तक हमने जो देखी, सबसे पहले इंसान ने दीवारों पर पेंटिंग करना शुरू करा, दीवारों पर जो पेंटिंग बनाई जाती है उनको मुरल पेंटिंग्स ही कहते हैं, और मुरल पेंटिंग्स कई टेक्निक से की जाती है। तो आप कह सकते हैं एक एक बार को कि जो प्री हिस्टोरिक मैन जो पेंटिंग बना रहा था गुफाओं में वो भी एक तरह से मुरल पेंटिंग्स ही थी। तो यहां पर अगर बात करें, कहता है मुरल पेंटिंग्स आखिर होती क्या है, कहता है ये दीवारों पर की गई पेंटिंग्स हैं, ठीक है, और क्योंकि दीवारों पर की जाती है तो साइज में ज्यादातर ये पेंटिंग्स आपको बड़ी दिखेंगी। भाई जो पेंटिंग्स हम अपने पेपर्स वगैरह पे बनाएंगे, बुक में बनाएंगे, वो साइज में छोटी होती है, लेकिन अगर आप दीवार पर कोई पेंटिंग बनाएंगे तो देखेंगे जनरली वो आपको बड़ी दिखेगी। तो मुरल पेंटिंग्स पहली बात साइज में आपको बड़ी देखने को मिलती है। उसके अलावा कहता है कि भारत में एंशियंट टाइम से ही आपको देखने को मिलती है, और आपको यहां पर 10th सेंचुरी BC से 10th सेंचुरी AD तक
देखने को मिलती है, काफी भारी मात्रा में बनाई गई है। 900 BC से 900 AD में के बीच आपको ये पेंटिंग्स भारी मात्रा में बनती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा इनके जो एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं मुरल पेंटिंग्स के, जैसे कि अजंता की गुफाएं, अरमामलाई केव, रावण छाया रॉक शेल्टर्स जो कि आपको ओडिशा में दिखेगा, बाघ केव्स जो कि आपको मध्य प्रदेश में दिखेगी, सित्तन वासल केव्स और यहां पर कैलाशनाथ टेम्पल, यहां पर सब में आपको मुरल पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और इन मुरल पेंटिंग्स की कॉमन थीम आपको क्या मिलेगी, हिंदू बुद्धिस्ट और जैन। अभी ये सारी चीजें आपको समझ आएंगी जैसे जैसे हम चीजों को आगे देखेंगे। और इन पेंटिंग का आप देखेंगे साइज बड़ा होता है, दीवार के ऊपर ये की जाती है, ठीक है, पेपर के ऊपर नहीं की जाती है। सबसे पहले अगर मुरल पेंटिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर देखा जाता है तो वो है अजंता की गुफाओं के अंदर जो दीवारों पर पेंटिंग की गई है, उसके यहां पर एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। अजंता की गुफाएं जो है, ये टोटल 29 गुफाएं आपको देखने को मिलेगी, कहां पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, ठीक है। और इन गुफाओं की अगर बात करें, इन गुफाओं के अंदर 25 आपको क्या मिलेंगे, बौद्ध विहार देखने को मिलेंगे, और 4 आपको चैत्य यानी कि बौद्ध पूजा स्थल आपको देखने को मिलते हैं। और ये गुफाएं आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। इस गुफा को हॉर्स शू शेप गुफा भी या हॉर्स शू केव्स भी कहा जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं अजंता की गुफाओं की शेप कैसी है, जैसे घोड़े की नाल होती है हॉर्स शू टाइप में, इस तरह से आपको अजंता की गुफाओं की शेप देखने को मिलती है। तो इस चीज को भी याद रखेंगे, पेपर में कई बार जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है अजंता की गुफाओं की, भाई यहां पर बताइए शेप कैसी है, तो हॉर्स शू शेप आपको देखने को मिलती है। टोटल 29 गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं लगभग आप कह सकते हैं 200 BC से बननी शुरू हुई और ये आपको देखने को मिलेगी 400 AD के आसपास तक बनती हुई नजर आएंगी। 200 BC यानी कि मौर्यन काल से लेकर गुप्ता काल तक ये गुफाएं आपको बनती हुई नजर आएंगी, ठीक है, गुप्ता काल तक ये गुफाएं बनती हुई नजर आएंगी। और जिस समय गुप्ता पीरियड भारत के अंदर चल रहा था, अगर आप भारत का मैप बनाएंगे, ठीक है, यहां पर अगर आप गुप्ताज को बनाएंगे कि भाई भारत के अंदर गुप्ता साम्राज्य, तो गुप्ता साम्राज्य आपको यहां पर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलता है, यह है पूरा गुप्ता साम्राज्य। जब गुप्ता साम्राज्य एग्जिस्ट कर रहा था तब यहां पर, तब भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में यहां पर गुफाएं बनाई जा रही थी, कौन सी, अजंता की गुफाएं। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, पेपर में आपसे कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, जब अजंता की गुफाएं यहां बन रही थी तो महाराष्ट्र के इस रीजन में गुप्ता साम्राज्य नहीं था, महाराष्ट्र के इस रीजन में कौन था, कहता है महाराष्ट्र के इस रीजन में थे वाकाटकाज। हालांकि वाकाटकाज कौन है, वाकाटकाज जब गुप्ताज एग्जिस्ट कर रहे थे गुप्ता साम्राज्य के एक पैरेलल डायनेस्टी थी, तो हम बोल देते हैं कि गुप्ता काल में बनाई गई, क्योंकि गुप्ता काल चल रहा है, गुप्ता साम्राज्य भी एग्जिस्ट कर रहा है और गुप्ता काल में ही वाकाटका डायनेस्टी एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जहां पर अजंता की गुफाएं बन रही थी वहां तक गुप्ता साम्राज्य चल रहा था, नहीं, यह गुप्ता काल है, गुप्ता टाइम की बात कर रहा है। साम्राज्य समय कौन सा था, वाकाटका साम्राज्य, जिसके अंडर अजंता की गुफाएं बनाई जा रही थी। और एक वाकाटका किंग हरिसेना हुआ करते थे जिन्होंने इन गुफाओं को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है, तो इस डिफरेंस को याद रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर अगर देखें 200 BC से लगभग 400 AD तक लगभग 600 साल तक ये गुफाएं बनती रही, मेजरली बौद्ध गुफाएं हुआ करती थी। पूरी गुफाएं जो है इसके अंदर आपको पूरी ये बुद्धिस्ट केव आपको देखने को मिलेगी। आखिर बौद्ध विहार क्या होते थे, बौद्ध विहार का मतलब है पुराने जमाने में जब बुद्धिस्ट साधु संन्यासी एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने, तो बारिश के दिनों में उनको रुकने के लिए जो जगह चाहिए होती थी उसे कहा जाता था बौद्ध विहार, और इसीलिए परमानेंट विहार बनाए गए और जिसको गुफाओं को काटकर बनाया गया, रॉक कट केव्स बनाई गई, और अजंता उसका ही एक एग्जांपल है। क्योंकि यहां पर बुद्धिस्ट लोग रुकते थे तो इनको पूजा स्थल भी चाहिए, तो चैत्य बनाए गए थे, चैत्य होता है वर्शिप प्लेसेस ऑफ बुद्धिस्ट लोग, ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे। हॉर्सशू केव जो है अजंता की गुफाओं को ही कहा जाता है। यहां पर गुफाओं के ऊपर पेंटिंग की गई और बेसिकली फ्रेस्को पेंटिंग से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, और फ्रेस्को टेक्निक का यहां पर इस्तेमाल होता हुआ आपको नजर आता है। फ्रेस्को टेक्निक आखिर क्या होती है,
दीवारों के ऊपर पेंटिंग करने की एक प्रकार की टेक्निक है। दीवारों के ऊपर पेंटिंग आप कैसे भी कर सकते हैं, कई टेक्निक्स होती हैं, लेकिन यहां पर फ्रेस्को टेक्निक की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेस्को टेक्निक का इस्तेमाल करके पेंटिंग्स बनाई गई अजंता की गुफाओं में, वो आज तक प्रिजर्व्ड आपको देखने को मिलती है। ये पेंटिंग आप देखिए, ये पेंटिंग गुप्ता काल में बनाई गई थी, और ये पेंटिंग कितनी ज्यादा डिटेल्ड है, अनलाइक अगर हम पहले की पेंटिंग्स की बात करें जो हमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ये कितनी क्रूड पेंटिंग है, सिर्फ कुछ लाइंस और सर्कल्स की मदद से अलग अलग शेप में बस चीजों को दिखाया गया है। लेकिन अगर हम यहां पर दीवारों पे अब जो पेंटिंग देखते हैं, मुरल पेंटिंग्स, ये मुरल पेंटिंग प्रॉपर पूरी जैसे पेंटिंग होती है कि इंसान क्या शक्ल दिख रही है, आंखें दिख रही है, इवन उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन भी दिख रहे हैं। तो अजंता की गुफाओं में सिर्फ पेंटिंग में इंसान की फॉर्म में चीजों को दिखाया ही नहीं गया है, बल्कि एक्सप्रेशंस पर भी फोकस किया गया है। तो जैसे एक प्रॉपर पूरी पेंटिंग होती है, बिल्कुल वैसे अजंता की गुफाओं में पेंटिंग दीवारों पर बनाई गई। इन्हें कहा जाता है मुरल पेंटिंग्स, और ये पेंटिंग्स आज भी इसलिए प्रिजर्व है क्योंकि इनमें जो टेक्निक इस्तेमाल हुई थी उस टेक्निक का नाम था फ्रेस्को टेक्निक। फ्रेस्को टेक्निक आखिर क्या होती है? दरअसल इस टेक्निक के अंदर जब पेंटिंग बनाई जाती है दीवार पर, तो तीन स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है, दीवार के ऊपर एक पेस्ट लगाया जाता है। दीवार के ऊपर पेस्ट लगाया जाता है, कौन सा पेस्ट होता है वो? वो होता है काउ डंग प्लस राइस हस्क, यानी कि जो चावल की भूसी होती है, चावल का जो वेस्ट ऊपरी खोल बचता है, उसको मिक्स करके गाय के गोबर के साथ दीवार पर उसका लेप लगाया जाता है। उसके बाद उस लेप के ऊपर, उस लेयर के ऊपर वेट प्लास्टर लगाया जाता है ऑफ लाइम, ठीक है, चूने की एक लेयर, गीले चूने की लेयर लगाई जाती है। और तीसरे स्टेज में यहां पर पिगमेंट्स, यानी कि जो कलर हैं, उनको अप्लाई किया जाता है। तो गीले प्लास्टर पर जब आप पेंटिंग बनाएंगे, कलर्स बनाएंगे, तो वो क्या करता है, प्लास्टर उन कलर्स को सोख लेता है, और एक बहुत लंबे समय तक, आप आज देखिए 1500 साल बाद भी ये पेंटिंग्स आपको गुफाओं में देखने को मिलती है। तो ये पेंटिंग्स इसीलिए प्रिजर्व्ड आपको देखने को मिलती है, फ्रेस्को टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। ये 3-स्टेप टेक्निक है, इसको नोट करेंगे। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि फ्रेस्को टेक्निक के अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं, ये बताइए, ठीक है, बताइए कौन कौन से स्टेप जो है फ्रेस्को टेक्निक में इन्वॉल्व हैं, आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए याद रखेंगे। अब अगर यहां पर देखें, कहता है कि भाई ये जो फ्रेस्को टेक्निक बनाई गई, ये जो फ्रेस्को टेक्निक से पेंटिंग्स बनाई गई, मुरल पेंटिंग्स, इसके अंदर अगर कलर आप इस्तेमाल करेंगे तो इसे क्या बोला जाता है, पिगमेंट का इस्तेमाल करना, इसको बोला गया है टेम्पेरा स्टाइल, ठीक है। तो टेम्पेरा स्टाइल क्या है, पिगमेंट्स का इस्तेमाल करना पेंटिंग्स बनाने में, अलग अलग कलर्स का। उसके अलावा यहां पर इमोशंस दिखाए गए हैं, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में इमोशंस दिखाए गए हैं, इस चीज को याद रखेंगे अच्छे से। इसके अलावा एनिमल्स और बर्ड्स तक के भी इमोशन दिखाए गए हैं, जानवर और पक्षियों तक के भी इमोशन दिखाए गए हैं इस पेंटिंग में, इस अजंता की गुफाओं में, याद रखेंगे इस चीज को। उसके अलावा यहां पर कहता है एक यूनिक फीचर आपको देखने को मिलेगा कि अगर यहां पर कोई फीमेल की फोटो बनाई गई है तो हर फीमेल का एक यूनिक हेयर स्टाइल बनाया गया है अजंता की गुफाओं में, ठीक है। तो अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स आप देख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल्ड पेंटिंग्स है, सोफिस्टिकेटेड पेंटिंग्स है। और आपको थीम क्या मिलेगी इन पेंटिंग की, इन पेंटिंग की थीम है जातक कथाएं। जातक कथाएं मतलब बुद्धिज्म के अंदर जो कथाएं प्रचलित है, जातक कथाएं जैसे जो कि गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में बताता है, तो जातक कथाएं बुद्धिस्ट कथाएं हैं, और इसलिए कहते हैं कि बुद्धिस्ट थीम पर आधारित ये पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर बात करें यहां पर एलोरा की गुफाओं में अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको सभी धर्म मिलते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म, लेकिन अजंता की गुफाओं में सिर्फ आपको बुद्धिज्म मिलता है और बुद्धिस्ट पेंटिंग्स आपको यहां पर देखने को मिलती है। उसके अलावा कहता है कि आउटलाइन कैसे की गई है, रेड ओकरे जो कि हमने देखा था कि नेचुरल तरीके से पाए जाना जो मिनरल है आयरन ऑक्साइड के, उन्हें ओकरे कहते हैं, और रेड कलर के ओकरे से आउटलाइन की गई है। और उसके बाद आपको ब्राउन, ब्लैक, ग्रीन कलर, डीप ग्रीन कलर, डीप रेड कलर आपको देखने को मिलता है, लेकिन आपको एक चीज देखने को मिलेगी, ब्लू कलर एब्सेंट आपको मिलेगा अजंता की पेंटिंग्स में। तो इस चीज को याद रखेंगे, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स में आपको कौन सा कलर मिसिंग दिखता है, वो है ब्लू कलर, ठीक है।
तो ब्लू कलर यानी कि नीला रंग अजंता की गुफाओं की पेंटिंग में आपको नजर नहीं आता है। इसके अलावा जो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है इसमें कई बोधिसत्व दर्शाए गए हैं। बोधिसत्व क्या होते हैं दोस्तों? महायान बुद्धिज्म जब पढ़ते हैं तो महायान बुद्धिज्म के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है बोधिसत्व का, जो कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है। बोधिसत्व किसे कहते हैं? बोधिसत्व का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो कि गौतम बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्ति पर निकला है और वो बुद्ध बनने वाला ही है, मतलब उसको भी ज्ञान की प्राप्ति होने ही वाली है, लेकिन वो अपने ज्ञान की प्राप्ति को डिले कर रहा है ताकि बाकी लोगों को इस धरती पर बुद्धिज्म की तरफ लेकर आए, उनको भी ज्ञान दे। ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। और बुद्धिज्म के अंदर, महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्व की भी पूजा होती है, और ऐसे बोधिसत्व यहां पर बताए गए हैं जैसे कि पहले वज्रपाणि। वज्रपाणि जो है ये गौतम बुद्ध की पावर को दर्शाने वाले आपको बोधिसत्व मिलेंगे। उसके अलावा मंजूश्री मिलेंगे जो कि गौतम बुद्ध की विजडम यानी कि उनकी जो बुद्धिमत्ता है उसको दर्शाने वाले बोधिसत्व हैं। पद्मपाणि जिनको अवलोकितेश्वर भी कहते हैं, ये गौतम बुद्ध के कंपैशन उनके दया भाव को दर्शाने वाले बोधिसत्व आपको देखने को मिलते हैं। तो मंजूश्री, पद्मपाणि और वज्रपाणि ये तीनों ही पेंटिंग्स में आपको अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। अवलोकितेश्वरा किसको कहते हैं? पद्मपाणि को ही कहते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। पेपर में आपने सिर्फ बोधिसत्व के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, या फिर पूछ लेगा मंजूश्री, पद्मपाणि और वज्रपाणि ये कौन है, ठीक है। यह बोधिसत्व जो कि बुद्धिज्म में, महायान बुद्धिज्म में आपको मिलते हैं। उसके अलावा यहां पर आपको और जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स मिलती है अजंता की गुफाओं में, यहां पर डाइंग प्रिंसेस यानी कि मरती हुई प्रिंसेस की फोटो केव नंबर 16 में मिलती है। उसके अलावा आपको शिभी जातक स्टोरी से यहां पर इससे जुड़ी हुई पेंटिंग मिलती है, जिसके अंदर जो राजा शिभी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का मांस निकालकर एक कबूतर को खिलाते हैं ताकि उसकी जान बचा सके। इसके अलावा मैत्री पोषक जातका पर आधारित भी पेंटिंग आपको यहां पर देखने को मिलती है। तो अजंता की गुफाओं के अंदर आपको शिवी जातक पर पेंटिंग मिलती है, मैत्री पोषक जातक पर भी देखने को मिलती है। पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है शिवी जातक और मैत्री पोषक जातक, ये पेंटिंग्स आपको कौन सी गुफाओं में देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपको अजंता की गुफाओं में देखने को मिलती है। या फिर पूछ लेगा, हर बार आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई जो बोधिसत्व हैं उनसे जुड़ी हुई पेंटिंग, फिर तो बहुत सारे लोग बता देंगे। पेपर को क्वेश्चन मुश्किल बनाना चाहेगा, अगर पेपर में क्वेश्चन को मुश्किल बनाना चाहेगा तो कहेगा शिबी जातक, डाइंग प्रिंसेस और मैत्री पोषक जातक, ये कौन सी गुफा में आपको ये पेंटिंग्स मिलती है, तो ये आपको अजंता की गुफाओं में मिलती है। दूसरी जो केव पेंटिंग है वो है एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग्स, और एलोरा की गुफाओं की पेंटिंग्स आपको ज्यादातर जो कैलाश टेम्पल है एलोरा की गुफाओं में, वहां पर ही आपको देखने को मिलता है। एलोरा की गुफाएं जो आपको बनती हुई नजर आती हैं, ये लगभग आप कह सकते हैं 400 एडी से लगभग 900 एडी के बीच में बनती हुई नजर आती हैं महाराष्ट्र के अंदर ही। तो पहले अजंता की गुफाएं बनती हैं, बाद में आपको एलोरा की गुफाएं बनती हुई नजर आती हैं। और एलोरा की जो गुफाएं हैं यहां पर टोटल 34 गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको बुद्धिस्ट गुफाएं मिलती हैं, हिंदू गुफाएं भी मिलती हैं और जैन धर्म से जुड़ी हुई गुफाएं भी मिलती हैं। क्योंकि तीनों ही धर्म की गुफाएं आपको यहां पर मिलती है, केव नंबर 16 जो है एलोरा का, केव नंबर 16 यहां पर आपको मिलता है कैलाशनाथ टेम्पल, कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल बहुत ज्यादा सुंदर टेम्पल है, जो कि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है पूरा मंदिर, मोनोलिथिक मंदिर है, और ये अपने अंदर खुद का एक ऐसा मंदिर है जो इतना ज्यादा पूरा विशाल मंदिर, सोफिस्टिकेटेड कंप्लीट मंदिर का स्ट्रक्चर एक चट्टान को काटकर बना दिया गया है, उसका एग्जांपल आपको कैलाश टेम्पल देखने को मिलता है। और यहां पर अगर बात करें आपको माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की पेंटिंग्स आपको एलोरा के अंदर देखने को मिलेगी, उसके अलावा भगवान शिव की देखने को मिलेगी, और इसके अलावा अप्सराज की पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। यहां पर आप देख सकते हैं एलोरा की केव पेंटिंग का एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, एलोरा की केव पेंटिंग का एग्जाम्पल आपके सामने यहां पर आपको देखने को मिलता है। तो दो पेंटिंग हमने पढ़ ली मुरल पेंटिंग्स में, कौन सी, अजंता की पेंटिंग्स, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स, एलोरा की पेंटिंग्स, जहां पर तीनों ही धर्मों की पेंटिंग आपको मिलती है। इसके अलावा अजंता की गुफाओं जैसी एक और गुफा है जो कि आपको मध्य प्रदेश में मिलती है, जिसको कहा जाता है बाघ केव्स। बाघ केव्स आपको देखने को मिलती है कहां पर, मध्य प्रदेश में।
और ये जो गुफाएं हैं ये आपको अजंता से ही मिलती जुलती गुफाएं मिलेंगी, और सिर्फ अजंता के जैसी ही नहीं लगती बल्कि इसमें जो पेंटिंग्स है वो भी अजंता की गुफाओं जैसी ही आपको मिलती है। तो इसमें आपको पेंटिंग्स अजंता की गुफाओं जैसी देखने को मिलेगी, बुद्धिस्ट पेंटिंग्स आपको यहां पर देखने को मिलती है। कहता है यहां पर केव नंबर 14 के अंदर रंग महल आपको देखने को मिलता है, जिसके अंदर कई सारी सुंदर जो पेंटिंग्स हैं वो दीवार पर की गई हैं, और ये भी बुद्धिस्ट जातक कथाएं आपको बताती हैं। तो यहां पर अगर बात करें अजंता की गुफाएं और बाघ केव्स, वैसे एक दूसरे के सिमिलर हैं क्योंकि दोनों ही बुद्धिस्ट केव्स हैं। उसके अलावा दोनों में जो पेंटिंग्स है वो भी आपको बुद्धिस्ट पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। तो हमेशा एक चीज याद रखेंगे, जब भी पेंटिंग्स को पढ़ें पहली बात लोकेशन वो कहां है, अगर गुफा में कहीं पर है इस तरह से, अगर मान लीजिए पेपर पर की जाने वाली पेंटिंग्स है जो भी है एक्स वाई जेड जो भी, उसमें हमें फिर ये लोकेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस रीजन देखना है कि किस स्टेट में किस राज्य में होती है, ठीक है। उसके अलावा पेंटिंग को याद रखने में सबसे जरूरी चीज है उसकी थीम क्या है। हम जो भी पेंटिंग पढ़ेंगे, जो भी पेंटिंग हम पढ़ेंगे इसके अंदर आपको थीम पता होनी चाहिए। जैसे अगर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की बात करें तो उसमें थीम क्या थी, उसमें थीम थी कि इंसान शिकार कर रहा है, जानवरों के बैठकर जानवरों की सवारी कर रहा है, इस तरह की चीजें। अब यहां पर आप देखेंगे जो मुरल पेंटिंग्स हैं, यहां पर थीम क्या है, बुद्धिस्ट जातक कथाएं, ठीक है। तो आपको थीम पता होनी चाहिए। तो यहां पर अजंता की गुफाओं जैसी आपको मिलती है। अब याद रखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट, कह देगा रंग महल इनमें से कौन सी गुफाओं में आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको बुद्धिस्ट पेंटिंग्स मिलती हैं। पेपर में आपसे क्वेश्चन बोलेगा रंग महल इनमें से कौन सी गुफाओं में मिलता है जहां पर आपको सुंदर बुद्धिस्ट पेंटिंग्स मिलती है, और वो एग्जांपल देगा अजंता, एलोरा, बाघ केव्स या फिर एक्स वाई जेड कोई और सी केव आपको बोल देगा। तो याद रखेंगे रंग महल कहां मिलता है आपको, बाघ गुफाओं में मध्य प्रदेश में। तो ये आप देख सकते हैं बाघ केव्स की एक पेंटिंग का एग्जांपल आपको देखने को मिलता है। एक चीज आप यहां पर आपको नोटिस करनी होगी वो ये कि अजंता की गुफाओं में जो पेंटिंग्स थी उसके अंदर ब्लू कलर एब्सेंट था, लेकिन अगर आप बाघ केव्स को देखेंगे तो यहां पर आपको ब्लू कलर नजर आता है। अजंता जैसा यहां पर वो सीन नहीं है, अजंता की गुफाओं और बाघ केव्स को मिक्स करके भी क्वेश्चन आपसे बना सकता है, बोल देगा बोथ अजंता एंड बाघ केव्स आर सिमिलर टाइप ऑफ केव्स, बोथ आर बुद्धिस्ट केव्स, बोथ केव्स कंटेन पेंटिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट जातक स्टोरीज, और बोल देगा कि दोनों ही गुफाओं के अंदर ब्लू कलर एब्सेंट है। तो फिर आपको पता होना चाहिए डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ब्लू कलर आपको यहां पर देखने को मिलता है बाघ केव्स में, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। चौथी जो यहां पर हम केव पेंटिंग्स देखते हैं वो है अरमामलाई केव्स, जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। और याद रखेंगे बाघ केव्स और अजंता की गुफाएं रॉक कट केव्स थी, रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जांपल है। अगर आपने इस चैनल पे मेरे साथ केव आर्किटेक्चर पढ़ा होगा तो उसमें हमने उसको कवर किया था। लेकिन यहां पर अगर आप अरमामलाई केव्स देखेंगे जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है, ये नेचुरल केव्स थी जो बाद में कन्वर्ट की गई थी जैन मंदिर में, ठीक है। तो अब आप यहां पर एक चीज समझ जाएंगे, जैसे ही हमने ये लाइन पढ़ी इससे एक चीज ये समझ जाएंगे कि पहली बात यहां पर पेंटिंग्स की थीम क्या होने वाली है। पेंटिंग्स की थीम यहां पर होने वाली है जैन थीम, यहां पर पेंटिंग्स की होने वाली है। और यहां पर टेल्स कहानी किसकी मिलेगी, अष्टपथिक पालकास की, ठीक है, यानी कि जैन भगवानों की आपको यहां पर पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। कुल मिलाकर जैन थीम पर आधारित पेंटिंग्स अरमामलाई केव्स जो कि तमिलनाडु में है उसमें आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा सित्तनवासल केव, ये दोबारा आपको तमिलनाडु में देखने को मिलती है। ये रॉक कट आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है तमिलनाडु में, और ये भी जैन मंदिर की तरह यहां पर इस्तेमाल होता है, और इसके अंदर भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती है जो कि जैन मंदिर वहां पर बने हुए हैं सित्तनवासल केव्स के अंदर, ठीक है। और कहता है कि इन पेंटिंग्स की जो रिजेंबलेंस है, ये पेंटिंग्स जो मिलती जुलती लगती है बाघ और अजंता केव की जो पेंटिंग्स है उनसे मिलती जुलती आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट फीचर मिलेगा कि जो मंदिर की छत है सीलिंग, वहां पर भी पेंटिंग मिलेगी और पिलर्स पर भी पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। तो दीवारों के साथ साथ आपको छत और पिलर्स पर भी पेंटिंग यहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पर एक चीज याद रखेंगे कि यहां पर थीम कौन सी मिलेगी, समवसारना।
समवा सारनाथ थीम के ऊपर आधारित पेंटिंग्स कहाँ मिलती है? सित्तन वासल केव में। तो याद रखने का तरीका ऐसे कर लेंगे, एस से सित्तन वासल और एस से ही समवा सारना। समवा सारना क्या है? समवा सारना एक उस सीन को डिपिक्ट करता है जहां पर कोई, जहां पर बहुत सारे जैन साधु बैठकर उपदेश सुन रहे हैं। तो एक हॉल का डिपिक्शन है जहां पर बहुत सारे जैन साधु या जैन अनुयायी जब उपदेश को सुन रहे हैं, उस सीन को कहा जाता है, उस सीन को कहा जाता है समवा सारना। ठीक है, तो प्रीचिंग हॉल का यहां पर डिपिक्शन जो दिया गया है कि कैसे जैन साधु लोग उपदेश सुन रहे हैं, उसे समवा सारना कहा गया। यह मिलेगा आपको सित्तन वासल की गुफा में, पेंटिंग्स के थ्रू दर्शाया गया। और याद रखेंगे यहां पर छत पर भी, सीलिंग्स पर भी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कहता है कि यहां पर वेजिटेबल और मिनरल्स कलर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, और थिन वेट लाइम प्लास्टर पर इस्तेमाल यहां पर किया गया है, और इसीलिए पेंटिंग्स आज भी आपको प्रिजर्व्ड देखने को मिलती है। इसका मतलब फ्रेस्को टेक्निक का यहां पर इस्तेमाल, कुछ ऐसा फ्रेस्को जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है तीनों स्टेप फॉलो ना किए गए हो, लेकिन अगर एक भी किया गया है तो हम कह सकते हैं फ्रेस्को जैसी टेक्निक का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। उसके अलावा यहां पर कहता है सेंट्रल एलिमेंट क्या है पेंटिंग्स का, कि यहां पर एक तालाब है जिसके अंदर कमल के फूल आपको देखने को मिलेंगे। ये भी आपको थीम पर आधारित पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई समवा सारना थीम पर आधारित पेंटिंग्स कौन सी गुफा में मिलती है, तो वो भी है सित्तन वासल। दूसरा, तालाब में बहुत सारे कमल के फूल हैं, ये भी आपको यहां पर सित्तन वासल में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं समवा सारना। ठीक है, और यहां पर समवा सारना क्या है यह बताया गया कि किस तरह से यहां पर जैन साधु जो लोग हैं वो प्रवचन या फिर उपदेश सुन रहे हैं। सित्तन वासल गुफा की ये वो थीम पर आधारित पेंटिंग है जिसके अंदर कमल के फूल एक तालाब में दिखाए गए हैं बहुत सारे। ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर रावण छाया रॉक शेल्टर्स जो कि उड़ीसा में है, उड़ीसा के अंदर यहां पर फ्रेस्को पेंटिंग्स दीवारों पे की गई देखने को आपको मिलती है। और ये जो गुफाएं हैं हाफ ओपन्ड अम्ब्रेला जैसी आपको गुफाएं इस शेप में देखने को मिलती है। उसके अलावा यहां पर एक और देखने को मिलेगा पेंटिंग जो कि यह बताती है एक रॉयल प्रोसेशन, यानी कि कोई रॉयल जुलूस निकल रहा है, कोई शाही रैली या कोई शाही जुलूस निकल रहा है जो कि 7th century AD के आसपास का बताता है, यानी कि 600 AD के आसपास का एक शाही जुलूस को दर्शाया गया है पेंटिंग के थ्रू। कहां पर? रावण छाया रॉक शेल्टर्स के अंदर। तो याद रखेंगे पेपर में आपसे पूछ लेगा कि रावण छाया रॉक शेल्टर, पहली बात लोकेशन ओडिशा, थीम क्या है, थीम आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि किस थीम पर आधारित पेंटिंग मिलेगी, रॉयल प्रोसेशन पर आधारित पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे लोकेशन नेम एंड थीम याद रखेंगे, बस लोकेशन नेम एंड थीम। इसके अलावा अगर इस पेंटिंग से जुड़ा हुआ कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो फिर वो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, उसको अलग से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर यहां पर बात करें अगली जो पेंटिंग है वो है लेपाक्षी पेंटिंग्स। नाम आपने देख लिया लेपाक्षी, कहां पर है लोकेशन? आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कहां पर है? वीरभद्र टेंपल के अंदर। और वीरभद्र टेंपल के अंदर 16th century के अंदर यहां पर ये पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। और 16th century का मतलब 1500s की बात कर रहा है, और ये आपको कब मिलेगा? विजयनगर पीरियड यहां पर उस समय चल रहा था। तो साउथ इंडिया की अगर बात करें, साउथ इंडिया में, पूरे साउथ इंडिया में एक बड़ा एम्पायर हुआ था जो कि 1336 से 1672 तक एग्जिस्ट करता है, जिसे हम कहते हैं विजयनगर एम्पायर। कृष्णदेवराय जिस साम्राज्य के शासक थे, इस एम्पायर के दौरान आंध्र प्रदेश के अंदर आपको लेपाक्षी मंदिर के अंदर दीवारों के ऊपर पेंटिंग बनाई हुई देखने को मिलेगी। तो थीम क्या होगी? जाहिर सी बात है रिलीजियस थीम होगी, और हिंदू रिलीजियस थीम होगी, रामायण महाभारत और भगवान विष्णु से जुड़ी हुई पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। यहां पर भी एक आपको फीचर देखने को मिलेगा कि यहां पर भी ब्लू कलर एब्सेंट है। तो याद रखेंगे अजंता की गुफाओं में ब्लू कलर आपको एब्सेंट मिलेगा। उसके अलावा ब्लू कलर आपको एब्सेंट कहां मिलता है? वो है लेपाक्षी मंदिर के अंदर जो टेंपल्स में आपको पेंटिंग्स देखने को मिलती है। और ये माना जाता है ये जो पेंटिंग्स है ये एक तरह से इस जमाने में पेंटिंग की क्वालिटी डिक्लाइन होती हुई यहां पर नजर आती है। अगर इस पेंटिंग को देखते हैं तो कैसे, अगर आप इस पेंटिंग को देखेंगे, पहली बात यहां पर ब्लू कलर एब्सेंट है, जबकि अजंता की गुफाओं में ब्लू कलर एब्सेंट था,
लेकिन वो बात कब की थी, वो तो 1500 साल पहले की बात थी, और उसके हजार साल बाद ये पेंटिंग बन रही है मंदिर में। कब? 1500s में बन रही है। और अजंता की गुफाओं में पेंटिंग्स कब बनी थी? 400 AD के आसपास। तो 400 AD में जो पेंटिंग्स बन रही थी उसमें भी ब्लू कलर नहीं था, 1500 AD में पेंटिंग बन रही है उसमें भी ब्लू कलर नहीं है। साथ में अगर आप अजंता की गुफाओं की पेंटिंग्स देखेंगे तो वो पेंटिंग इससे भी ज्यादा डिटेल्ड पेंटिंग्स थी। अगर आप यहां पर देखेंगे इस मंदिर में बनी हुई जो पेंटिंग है ये उतनी ज्यादा डिटेल्ड नहीं है जितनी अजंता की हमने पेंटिंग्स देखी बोधिसत्व की। उनमें आपके एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग हेयर स्टाइल्स पर फोकस किया गया है। तो आप ये कह सकते हैं पेंटिंग्स जो है उसकी क्वालिटी जो पहले थी अब उससे थोड़ी यहां पर खराब क्वालिटी की पेंटिंग आपको देखने को मिलती है, यानी कि ये क्वालिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए यहां पर आप कह सकते हैं पेंटिंग की क्वालिटी में डिक्लाइन देखने को मिलता है। कलर्स में, साथ में पेंटिंग को दिखाने के तरीके में, एक्सप्रेशंस में आपको टोटल यहां पर डिटेलिंग जो है वैसी नहीं मिलती जैसी अजंता में थी। और अजंता तो हजार साल पहले है इससे पहले, तो यहां पर तो और इंप्रूव होना चाहिए था, लेकिन उतना आपको देखने को नहीं मिलता है इंप्रूवमेंट पेंटिंग्स के अंदर। तो लेपाक्षी पेंटिंग जो है ये पेंटिंग्स में आप कह सकते हैं कि डिक्लाइन को दर्शाती है। ब्लू कलर यहां पर नहीं है, साथ में आंध्र प्रदेश में आपको मिलता है, और थीम क्या है? रामायण महाभारत और भगवान विष्णु के अवतार। ठीक है, तो याद रखेंगे लोकेशन, फैक्ट और थीम, ठीक है, और नाम। तो फैक्ट क्या है यहां पर? फैक्ट ये है इससे जुड़ा हुआ कि भाई ये पेंटिंग जो है दर्शाती है डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ पेंटिंग। अगला जो यहां पर जो गुफाओं के पर पेंटिंग होती है उसमें है जोगीमारा केव पेंटिंग। जोगीमारा केव पेंटिंग आपको कहां पर मिलेगी? नाम आपने देख लिया जोगीमारा, यह आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि लोकेशन भी यहां पर देख ली छत्तीसगढ़। और ये जो पेंटिंग्स है इनका जो टाइम पीरियड आपको देखने को मिलेगा ये 1000 BC से 300 BC के बीच में, यानी कि बहुत पुरानी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है। और यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये एक लव स्टोरी पर आधारित जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको दर्शाने वाली पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जोगीमारा केव्स का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहां पर आपको एम्पी थिएटर, यानी कि कुछ ऐसी जगह मिलेगी, खाली जगह जहां पर कोई परफॉर्मेंस की जाती हो, एम्पी थिएटर आपको मिलेगा। और बताया जाता है कि इसके अंदर ही आपको एम्पी थिएटर को सजाने के लिए पेंटिंग्स यहां पर बनाई गई थी जोगीमारा केव्स के अंदर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर है जोगीमारा केव्स, जिसके अंदर आपको एम्पी थिएटर यानी कि कुछ थिएटर हॉल जैसा कुछ मिलेगा, जिसकी दीवारों को सजाने के लिए पेंटिंग यहां पर की गई थी। ठीक है, और यहां पर कलर्स जो आपको देखने को मिलेंगे व्हाइट येलो यहां पर इस्तेमाल हुए थे और ब्लैक कलर भी इस्तेमाल यहां पर हुआ था। ठीक है, और रॉकेट एक थिएटर आपको मिलेगा सीतन बेगा का, ये भी इसी के पास लोकेटेड आपको देखने को मिलेगा, जोगीमारा केव्स के पास ही आपको देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे यहां पर एम्पी थिएटर पूछेगा भाई कौन से गुफाओं में आपको देखने को मिलता है, तो जोगीमारा केव छत्तीसगढ़ में एम्पी थिएटर देखने को मिलता है। इसके अलावा चालुक्यन शासक जो हुआ करते थे उनकी कैपिटल आपको बादामी मिलेगी। यहां पर भी बादामी के अंदर शुरुआत जब की गई मंदिर निर्माण की तो सबसे पहले केव टेंपल्स बनाए गए। अगर बात करेंगे यहां पर डेक्कन के अंदर टेंपल आर्किटेक्चर की शुरुआत की, तो यहां पर अगर बात करें डेक्कन में तो चालुक्यन लोगों ने, तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और इस टेबल में सारी पेंटिंग्स एक जगह पर आपको मिल जाएंगी। अजंता की केव पेंटिंग्स जो थी उनकी लोकेशन क्या है और उनका फीचर क्या है, जिसमें थीम वगैरह सब यहां मिल जाएगी। एलोरा की पेंटिंग, बाघ केव्स, ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ताकि सेम जगह पर सारी पेंटिंग्स एक साथ आपको दिखे तो आप डिफरेंशिएट कर पाएं और रिवाइज अच्छे से कर पाएं और आप दोनों में सब में डिफरेंस देख पाएं। जैसे सित्तनवासल में आपको संबा सारना दिख जाता है, रावण छाया रॉक शेल्टर के अंदर आपको रॉयल प्रोसेशन की फोटो देखने को मिल जाती है, पिक्चर देखने को मिल जाती है। लेपाक्षी पेंटिंग आंध्र प्रदेश में है और ये क्या बताती है? ये डिक्लाइन बताती है पेंटिंग की क्वालिटी में, ठीक है, और यहां पर भी ब्लू कलर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जोगीमारा केव मुरल पेंटिंग बादामी टेंपल, इसको याद रखेंगे टेबल को, ठीक है, एक जगह पर, ताकि आप सभी पेंटिंग्स को याद कर पाए। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से अभी तक हमने पढ़ा क्या पढ़ा, हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स पढ़ ली, हमने मुरल केव पेंटिंग्स पढ़ ली। ठीक है, ये पेंटिंग भी गुफाओं में होती थी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, और मुरल पेंटिंग भी गुफाओं में ही होती थी, ठीक है, या फिर मंदिरों में होती थी, और ज्यादातर मंदिर भी रॉक कट आपको देखने को मिलेंगे।
तो कुल मिला के मुरल पेंटिंग दीवारों पे होती है, लेकिन जरूरी नहीं गुफा में होगी, मंदिर की दीवार पे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन होती है दीवार के ऊपर, ठीक है। चलिए अब हम जाएंगे अगली तरह की पेंटिंग जो है मिनिएचर पेंटिंग। अब जो पेंटिंग्स है अब आपको कपड़े और कागज पर होती हुई नजर आएगी, कपड़े और कागज या पत्तों पर आपको पेंटिंग होती हुई नजर आएगी। तो जाहिर सी बात है कपड़ों पर और पत्तों पर शुरुआत में पेंटिंग होगी, जब कागज अवेलेबल हो जाएगा इजीली तो फिर कागजों पर भी पेंटिंग होने लगेगी। तो मिनिएचर पेंटिंग्स में अब हम एंट्री लेते हैं, उसके बाद हमें मॉडर्न पेंटिंग्स पढ़नी है और फिर फोक पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स की अगर बात करें तो मिनिएचर पेंटिंग्स में इतनी सारी पेंटिंग्स हमें पढ़नी है, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग्स में हमें ये सभी पेंटिंग्स पढ़नी है, जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाला स्कूल, यानी कि बंगाल के अंदर जब पाल शासकों का साम्राज्य था उस जमाने की पेंटिंग्स। उसके बाद पढ़ेंगे अपभ्रंश पेंटिंग्स, डेक्कन स्टाइल की पेंटिंग्स देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के जमाने में पेंटिंग्स कैसे होती थी वो देखेंगे, मुगल पेंटिंग्स को देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि भारत के अलग अलग रीजन में किस तरह से पेंटिंग्स आपको मिलेगी, जिसमें राजस्थानी और पहाड़ी स्कूल इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद देखेंगे साउथ इंडिया की पेंटिंग्स। तो अगर बात करें यहां पर आप देख सकते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर आप यहां पर अगर देखेंगे तो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से भी कैटेगराइजेशन मिलेगा, क्योंकि पहले दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे फिर मुगल पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको रीजन वाइज भी यहां पर देखने को मिलता है कैटेगराइजेशन, राजस्थानी पहाड़ी और साउथ इंडिया की पेंटिंग्स। तो पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन हो सकता है टाइम के आधार पर पूछ ले कि बताइए मिनिएचर पेंटिंग्स टाइम के साथ भारत में कैसे इवॉल्व हुई, उस पर पूछ सकता है, या फिर अलग अलग रीजन की मिनिएचर पेंटिंग्स आपसे पूछ सकता है। तो दोनों ही आपको यहां पर मिल जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, जाहिर सी बात है पाला स्कूल को देखते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स में, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए मिनिएचर पेंटिंग का मतलब क्या होता है। भाई हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखी, हमें देखते ही समझ आ गई कि इंसान ने आकृतियों लाइन एंगल्स स्क्वायर सर्कल्स ऐसे कुछ आकृति बनाकर पेंटिंग्स दिखा दी। उसके बाद मुरल पेंटिंग्स देखी तो पता चला कि डिटेल्ड पेंटिंग्स मुरल पेंटिंग्स जो है आपको देखने को मिलती है रॉक कट केव्स में, मंदिरों की दीवारों पर। मिनिएचर पेंटिंग क्या होती है? तो मिनिएचर पेंटिंग में पहली एक चीज याद रखेंगे, इसको लोग कंफ्यूज कर लेते हैं, मिनी यहां पर लिखा है शब्द तो मिनी ले लेते हैं कि भाई छोटा या फिर मिनिमम, इस शब्द से ये पेंटिंग बनी है। इसका मतलब साइज में छोटा होना इज मिनिएचर, ठीक है। मिनिएचर का मतलब है कि साइज में छोटी पेंटिंग, तो उससे ये शब्द नहीं आया है, ठीक है। लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि साइज में छोटा है इसलिए मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, जी नहीं, कहता है मिनिएचर पेंटिंग में जो मिनिएचर शब्द आया है इसको लैटिन भाषा के मिनियम शब्द से डिराइव किया गया है, और इस शब्द का मतलब होता है लाल रंग का पेंट जो कि लेड से बनता था, तो रेड लेड पेंट को मिनियम कहा जाता था लैटिन भाषा में, उससे मिनिएचर पेंटिंग बनाई, उससे पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी उन्हें मिनिएचर पेंटिंग्स कहा गया। ये बात सही है, ये पेंटिंग्स जो है साइज में छोटी होती थी, लेकिन इनका जो शब्द ये जो नाम आया मिनिएचर, ये साइज छोटा होने की वजह से नहीं बल्कि रेड लेड पेंट का इस्तेमाल करने से आया है, जिसको मिनियम कहते थे। और ये जो पेंटिंग्स हैं ये किस लिए इस्तेमाल हुई हैं? ये इस्तेमाल हुई हैं यूरोप के अंदर, अगर आप देखेंगे 1400s में रेनेसा की शुरुआत होती है। रेनेसा मतलब पुनर्जागरण, यानी कि यूरोप के अंदर नए विचारों की क्रांति आती है, लोग ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोग मोरालिटी की बात करते हैं, लोग लॉजिक की रैशनैलिटी की बात करते हैं। तो रेनेसां जो है यूरोपियन सोसाइटी में आपको मिलेगा इस जमाने में, और कई सारी किताबें इस समय लिखी गई, कई थिंकर्स पैदा हुए, उन्होंने अपने विचार लोगों के आगे रखे। तो रेनेसां के जमाने की जो किताबें थी उनको जब पेंटिंग्स के थ्रू एलाबोरेट किया गया, तो यहां पर मिनिएचर पेंटिंग्स यूरोप में आपको देखने को मिलेगी इस्तेमाल होती हुई। तो यहां पर याद रखेंगे, ये ऑलरेडी जो कंफ्यूजन है मिनिमम साइज और मिनियम को लेकर वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हालांकि ये बात सही है कि ये पेंटिंग्स जो है साइज में छोटी होती है और डिटेल्ड होती है, ठीक है। चलिए जैसे कि अगर बात करें, पहले ही मैं आपको बताने वाला हूं कौन सी पेंटिंग्स हम पढ़ रहे हैं। जैसे इस तरह की पेंटिंग्स है कपड़े पर की गई है, पत्ते पर की गई है, कागज पर की गई है, ठीक है। उसके अलावा मुगल पेंटिंग्स या इस तरह की जो भी छोटी पेंटिंग्स आप देखते हैं कागज पर, कपड़े पर, पत्ते पर, ये सब क्या है? मिनिएचर पेंटिंग्स है। इन्हीं को हमें पढ़ना है कि सबसे पहले कहां शुरू हुई, कैसे शुरू होती है। तो पहले पता लग गया मिनिएचर पेंटिंग आखिर होती क्या है। उसके बाद कहता है कि मिनिएचर पेंटिंग में आपको जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसकी कुछ कंडीशंस हैं, उसको यहां पर देखते हैं। कहता है पहली बात कि यहां पर पेंटिंग जो है
ये 25 स्क्वायर इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर पेंटिंग के अंदर आप जिस भी व्यक्ति को सब्जेक्ट को दर्शाएंगे, ये पूरी पेंटिंग का 1/6 हिस्से से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरी पेंटिंग का कहता है कहता है कि यहां पर सब्जेक्ट को जिसको आप दर्शाएंगे ये अपने एक्चुअल साइज से, ठीक है, 1/6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी किसी भी चीज का साइज है उसके 1/6 से ज्यादा साइज का नहीं होना चाहिए। और अगर अर्ली मिनिएचर्स की बात करें तो कहता है शुरुआत में जो पेंटिंग्स की गई है सारी ऐसे पेपर्स पे की, ऐसे मटेरियल पे की जाती थी जो मटेरियल खराब हो जाता था, जैसे कि पत्तों पर की जाती थी, कपड़े पर की जाती थी, कागज पे की जाती थी। ठीक है, और ये पेंटिंग्स आपको कब डेवलप होती हुई नजर आएंगी, 8 से 12वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि कहता है 700 से 1100 AD के दौरान ये पेंटिंग्स डेवलप्ड होती हुई आपको नजर आती है। ठीक है, और ईस्टर्न और वेस्टर्न यानी कि यूरोप और इंडिया दोनों में ही ये पेंटिंग्स डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि यूरोप के अंदर ही इस पेंटिंग्स का जन्म हुआ। मिनिएचर पेंटिंग्स रेनेसां के जमाने में इस्तेमाल हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वहां पर पैदा हुई है। भारत के अंदर ऑलरेडी इससे पहले आपको मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। कहां पर? पाला स्कूल के अंदर। पाला स्कूल क्या है? पाला स्कूल मतलब पाला शैली ऑफ पेंटिंग। ये क्या है? दरअसल 750 AD में बंगाल के अंदर एक साम्राज्य आता है जिनको कहा जाता है पाल साम्राज्य, जिसके फाउंडर कौन थे? जिनके फाउंडर थे गोपाल, और ये बुद्धिस्ट शासक हुआ करते थे। इन शासकों के जमाने में यानी कि 750 AD में आपको यहां पर पाला साम्राज्य बंगाल में दिखेगा, और इस समय पेंटिंग डेवलप होती है जो कि पाला स्कूल जिसको कहा जाता है। बाद के जमाने में ट्रांजिशन पीरियड के दौरान यानी कि लगभग आप कह सकते हैं 1100 AD के बाद का जो समय है, यहां पर अपभ्रंश पेंटिंग इस्तेमाल होती है, यूज होती है, इवॉल्व होती है। तो यहां पर पहले देखते हैं पाला स्कूल। पाला स्कूल कहता है कि यह साम्राज्य जो था 750 से 1150 AD के आसपास एग्जिस्ट करता है, और इसी जमाने में पेपर पर पेंटिंग की जाने लगती है। कौन से पेपर पर? वेलम पेपर पर या फिर पाम लीफ के ऊपर। ठीक है, ये पेंटिंग की जाती है, और यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस पेंटिंग में बेसिकली जो थीम मिलती है, यहां पर सेंट्रल फिगर आपको एक मिलेगी जो कि लोनली एंड सिंगल फिगर यहां पर दर्शाई जाएगी, और ज्यादातर थीम आपको कौन सी मिलेगी? बुद्धिस्ट, क्योंकि हमने बात करी पाला शासक कैसे थे, पाला शासक बुद्धिस्ट शासक आपको देखने को मिलेंगे। तो पाला स्कूल जो है पेंटिंग्स का, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बुद्धिस्ट थीम, इसकी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बुद्धिज्म आपकी थीम आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा बुद्धिज्म में भी अगर बात करें तो कौन से टाइप के बुद्धिज्म की थीम मिलेगी? वज्रयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म की थीम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बंगाल के रीजन में वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म को प्रैक्टिस किया जाता था। ठीक है, तो वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आपको यहां पर देखने को मिलता है। और इसके जो प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं वो कौन है? धिम्मन एंड वित्तपाल। तो याद रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ लेगा धिम्मन एंड वित्तपाल कौन सी पेंटिंग के आपको पेंटर्स देखने को मिलते हैं, किस तरह की पेंटिंग के। तो ये आपको पाला स्कूल जो कि मिनिएचर पेंटिंग है, इसके पेंटर आपको देखने को मिलते हैं। या फिर पेपर में आपसे क्वेश्चन बना के दे देगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, और फिर आपसे इस तरह की स्टेटमेंट आपसे पूछ सकता है। तो याद रखेंगे ये एक मिनिएचर पेंटिंग है, बुद्धिस्ट थीम पर आधारित है, पाम लीफ पर की जाती थी, और फेमस पेंटर मिलेंगे धिम्मन और वित्तपाल, आपको फेमस पेंटर्स आपको देखने को मिलते हैं। और इस तरह से अगर आप देखें, यहां पर बात की गई थी थीम में किस तरह की पेंटिंग बनाई जाएगी, लोनली फिगर बीच में दर्शाई जाएगी। तो लोनली फिगर आप एक देख सकते हैं, एक अकेली फिगर यहां पर दर्शाई जाती है, और वज्रयान बुद्धिज्म यहां पर इस पेंटिंग में दर्शाया गया है, वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। उसके अलावा कहता है अपभ्रंश स्कूल की बात की जा रही है, कहता है यहां पर 1100 AD के बाद आप कह सकते हैं 1000 AD के बाद ट्रांजिशन पीरियड में कुछ पेंटिंग्स यहां पर डेवलप होती है। ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगी गुजरात और मेवाड़ के रीजन से ये पेंटिंग आपको डेवलप होती हुई नजर आती है। और ये जो पेंटिंग्स हैं इसके अंदर आपको कॉमन थीम्स मिलेगी, वो है जैन थीम्स आपको देखने को मिलेगी, बाद में वैष्णव थीम पर आधारित भी पेंटिंग्स यहां पर बनती है, जैसे कि यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ गीता गोविंदा आपको यहां पर देखने को मिलता है।
ये पेंटिंग्स कौन सी है? ये है अपभ्रंश स्कूल। तो भारत की जो अर्ली मिनिएचर्स हैं, शुरुआती दिनों की जो मिनिएचर्स हैं, इसमें आपको पाला स्कूल मिलेगा और अपभ्रंश स्कूल। पाला आपको 750 यानी कि बहुत पहले ही डेवलप हो गया था। बाद में अपभ्रंश, जो कि ट्रांजिशन फेज को दिखाता है, गुजरात और मेवाड़ के राजस्थान के रीजन से ओरिजिन इसका होता है। और ये जो पेंटिंग्स हैं, जैन थीम आपको बेसिकली इसमें शुरुआती दिनों में मिलेगी, बाद में वैष्णव थीम भी मिलती है। तो एक चीज याद रखेंगे, यहां पर कोई फैक्ट आपको नहीं लिखा गया है, ये एक तरह से कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन यहां पर बन सकता है। कह देगा कि अपभ्रंश जो स्कूल की पेंटिंग्स थी वो आपको सिर्फ ओनली जैन थीम पर आधारित देखने को मिलती है, ठीक है। या फिर कह देगा अपभ्रंश जो स्कूल है इसमें आपको हिंदू डिटीज यानी कि हिंदू भगवानों की थीम पर आधारित फोटोज भी देखने को, पिक्चर्स भी, पेंटिंग्स भी देखने को मिलती है। इस तरह से बना के देख सकता है। तो याद रखेंगे, अगर बोलेगा भगवान के हिंदू देवी देवताओं की फोटो मिलती है, तो बिल्कुल वैष्णव थीम पर भी आधारित आपको अपभ्रंश पेंटिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब अगर बात करें, यहां पर कहता है कि शुरुआत के दिनों में पाम के पत्ते पर की जाती थी और बाद में फिर पेपर पर भी की जाने लगी। और इन पेंटिंग्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पेंटिंग्स थी इसमें इंसान को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता था, जैसे कि पॉइंटेड नोज मिलेगी, डबल चिन मिलेगी, बड़ी बड़ी आंखें दिखाई गई हैं, उसके अलावा एंगुलर फेसेस आपको देखने को मिलेंगे, साथ में एनिमल और बर्ड्स को यानी कि जानवरों और पक्षियों को खिलौनों की तरह दिखाया गया है। देख सकते हैं आप इन पेंटिंग्स को, बड़ी बड़ी आंखें आपको यहां पर साफ नजर आ रही हैं। फेस आप देखेंगे पॉइंटेड नोज इस तरह से है, एंगुलर साइड में से फेस दिखाया गया है, सामने से नहीं दिखाया गया, एक दूसरी दिशा में देखते हुए फेस को दिखाया गया है। चाहे आप यहां पर देखें, चाहे आप यहां पर देखिए, फेस सामने से नहीं दिखाया गया है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। उसके अलावा अगर आप यहां पर देखेंगे जानवरों को कैसे खिलौने की तरह, जैसे खिलौने होते हैं इस तरह से जानवरों को यहां पर दर्शाया गया है, ठीक है, मछलियों को, जानवरों को, पक्षियों को इस तरह से यहां पर दर्शाया गया है। तो याद रखेंगे, पेपर में आपसे बोल देगा कि भाई बताएंगे कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसके अंदर टॉयज की तरह, खिलौनों की तरह दर्शाया गया है, ठीक है, जानवरों को, पक्षियों को। तो आप बता सकते हैं वो है अपभ्रंश स्कूल, अर्ली मिनिएचर का पार्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपको ट्रांजिशन फेज की पीरियड की मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलती है, यानी कि जब भारत के अंदर इस्लामिक साम्राज्यों की शुरुआत होती है उस समय यहां पर कौन सी पेंटिंग्स बनाई जा रही थी उसकी बात ये करता है। तो अगर बात करें यहां पर, जैसे कि बात करें, कहता है कि विजयनगर के अंदर यहां पर डिफरेंट तरह का स्टाइल यहां पर एमर्जेंट होता है और ये दक्कन का जो स्टाइल है इसके जैसा आपको देखने को मिलता है। और यहां पर इंसानों को, ठीक है, यहां पर जो चीजें हैं काफी फ्लैट तरीके से दिखाई जाती है, ठीक है, और ब्लैक कलर से आउटलाइन यहां पर देखने को मिलेगी, एंगुलर फेसेस दिखाए जाते हैं, साइड पोज यहां पर दिखाया जाता है, वो भी किस तरह से, क्वार्टर एंगल से। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखेंगे, क्वार्टर एंगल से यहां पर ट्रांजिशन फेज की जो मिनिएचर है इसके अंदर इंसानों को दिखाया गया है, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं। ये डेक्कन स्टाइल की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती हैं, डेक्कन स्टाइल की पेंटिंग्स है, ठीक है। ये ट्रांजिशन फेज दिखाता है जब भारत के अंदर मुगल पेंटिंग्स बनने लगी, उससे पहले का जो ट्रांजिशन फेज है, दक्कन की पेंटिंग्स आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। आपको एंगुलर फेस यहां पर दिखाता है, यानी कि एक सर्टेन एंगल पर देख रहे हैं, जैसे इस तरह से। अब यहां पर अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के जमाने की पेंटिंग्स कैसी होती थी, दिल्ली सल्तनत के जमाने की मिनिएचर पेंटिंग्स के अंदर आपको पर्शियन एलिमेंट देखने को मिलेगा, पर्शियन एलिमेंट्स, ठीक है। तो पर्शियन एलिमेंट पर आधारित पेंटिंग्स आपको दिल्ली सल्तनत के जमाने की देखने को मिलेगी। दिल्ली सल्तनत के अंदर आपको पता है टर्किश साम्राज्य एस्टेब्लिश होते हैं, जैसे स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी। तो इन साम्राज्यों के द्वारा यहां पर पेंटिंग्स किस समय की जा रही थी इस जमाने में, उसको यहां पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो पर्शियन एलिमेंट्स आपको देखने को मिलता है, जिसकी फेमस पेंटिंग्स जो मिलेगी नीमतनामा नाम की एक बुक के अंदर मिलती है। ये जो नीमतनामा नाम की बुक है, ये रेसिपीज पर आधारित, खानों की अलग अलग रेसिपीज पर आधारित आपको यहां पर देखने को मिलती है पेंटिंग्स, यहां पर आपको मिलती है, ठीक है। और नीमतनामा के अंदर जो किताब, जो पेंटिंग्स ऐड की गई, वो मिनिएचर पेंटिंग का एग्जांपल है दिल्ली सल्तनत के जमाने की, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के जमाने पर नीमतनामा आपको यहां पर देखने को मिलता है, जिसको
पिक्चर्स के थ्रू इलेबोरेट किया गया, यानी कि किताब है इसके अंदर पिक्चर्स जोड़ी गई ताकि वो इंटरेस्टिंग एक बुक यहां पर बने। ठीक है, तो नीमतनामा की जो पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा दिल्ली सल्तनत के जमाने की आप ये पेंटिंग देख सकते हैं, जैसे युद्ध के सीन दिखाए गए हैं, राजा महाराजा यहां से निकल रहे हैं, उनके उस सीन को यहां पर दर्शाया गया है। उसके अलावा कहता है कि यहां पर दिल्ली और जौनपुर के बीच में, जौनपुर आपको ईस्टर्न यूपी में मिलेगा, दिल्ली और जौनपुर के बीच में एक और तरह का स्टाइल डेवलप हुआ मिनिएचर पेंटिंग का, जिसको कहा गया लोदी खुलादार। ठीक है, तो इस चीज को याद रखेंगे, बोल देगा पेपर के अंदर टर्म बेस्ड क्वेश्चन में कि लोदी खुलादार जो शब्द है, ये टर्म है, इसका मतलब क्या है, ये इनमें से किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो ये पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, इस चीज को यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि बाद में मिनिएचर पेंटिंग में तीन और मेजर स्टाइल डेवलप हुए, मुगल, राजपूत और डेक्कन के। ठीक है, तो यहां पर अगर बात करें, हमने देखा मिनिएचर पेंटिंग में सबसे पहले हमने देखा पाला जमाने की पेंटिंग थी, उसके बाद हमने अपभ्रंश जमाने की पेंटिंग्स देखी, अपभ्रंश पेंटिंग्स देखी जिसमें जैन और हिंदू थीम दोनों होती थी, खिलौनों की तरह जानवर और पक्षियों को दिखाया जाता था, मोटी मोटी आंखें होती थी। इसके अलावा फिर हमने ट्रांजिशन पीरियड की जो पेंटिंग्स थी वो देखी, जिसके अंदर एंगुलर सर्टेन एंगल पर फेस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा दिल्ली सल्तनत की पेंटिंग आपने यहां पर देखी। ठीक है, तो यहां पर पाला स्कूल, अपभ्रंश, डेक्कन और दिल्ली सल्तनत हो गया है। अब यहां से हम मुगल पेंटिंग्स को देखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर मुगल पेंटिंग्स की यहां पर बात की जाए, ठीक है, मुगल पेंटिंग्स की अगर यहां पर बात की जाए, मुगल जमाने में एक डिस्टिंक्टिव स्टाइल जो है वो डेवलप हुआ, हालांकि ये भी पर्शियन एलिमेंट्स आपको मुगल पेंटिंग्स में देखने को मिलेंगे। दिल्ली सल्तनत की जो पेंटिंग्स थी उसमें पर्शियन एलिमेंट्स मिलते हैं, और याद रखेंगे भारत के अंदर पर्शियन एलिमेंट्स कब आए, जब भारत के अंदर इस्लामिक साम्राज्यों की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहां पर दिल्ली सल्तनत में आपको पर्शियन एलिमेंट्स दिखते हैं, उसी तरह से मुगल पेंटिंग्स में भी आपको पर्शियन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, हालांकि मुगल पेंटिंग्स जो है एक अलग फॉर्म ऑफ स्टाइल में डेवलप होती है, जैसे कि यहां पर फोकस शिफ्ट किया गया भगवानों को और गॉड्स को दिखाने से, फोकस शिफ्ट किया गया कहां पर, शासकों के ऊपर, अब फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है, दरबार कैसे चल रहे हैं, कोर्ट कैसे लग रहा है, उस पर यहां पर फोकस किया गया, हंटिंग सीन्स पर फोकस किया गया। ठीक है, ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और शासक का दरबार कैसा है वो दिखाया गया। उसके अलावा यहां पर कई ब्रिलियंट चमकदार कलर का इस्तेमाल हुआ, साथ में फोर शॉर्टनिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया मुगल पेंटिंग्स में। फोर शॉर्टनिंग टेक्निक क्या होती है, फोर शॉर्टनिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर अगर किसी चीज को बनाया गया है, शब्दों को लिखा गया है, ये इतने पास होते नहीं है जितने दिखते हैं, यानी कि यहां पर शब्दों को या पेंटिंग्स में चीजों को जब इस तरह से दिखाया जाता है, जितने वो हैं उससे ज्यादा एक्चुअल वो पास में देखने को आपको नजर आते हैं। ठीक है, एक्चुअल में उतने नहीं होते जितने वो आपको पास में नजर आते हैं, इसे कहते हैं फोर शॉर्टनिंग टेक्निक। कहता है द ऑब्जेक्ट्स वर ड्रॉन इन सच वे दैट दे लुक क्लोजर एंड स्मॉलर देन दे रियली आर, यानी कि उतने पास दिखते हैं जितने एक्चुअल में होते नहीं है। और अगर बात करें अर्ली मुगल पेंटर्स की, तो अर्ली मुगल पेंटर्स में नाम आएगा बेहजत का। कहता है कि ये बाबर इनको पेट्रोनाइज करते थे, ये एक पर्शियन आर्टिस्ट थे, और कई मुगल फैमिली, कुछ मुगल फैमिली ट्री इन्होंने बनाए थे, तो बाबर ने कौन से पेंटर को पेट्रोनाइज करा था, वो थे बेहजत। तो इस चीज को याद रखेंगे, पेपर में आपसे पूछ सकता है कि बेहजत जो है इनमें से कौन से मुगल शासक से जुड़े हुए हैं, या फिर इनमें से कौन से पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, या फिर पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, डांस से जुड़े हुए हैं, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अर्ली मुगल जमाने की जो मिनिएचर पेंटिंग्स थी उसमें आपको देखने को मिलेगा बाबर ने बेहजत को पेट्रोनाइज किया था। चलिए, उसके अलावा कहता है कि हुमायूं के जमाने में भी आपको पर्शियन पेंटर्स मिलेंगे, अब्दुल समाद और मीर सैयद अली। हुमायूं जो है, हुमायूं भारत से बाहर, हुमायूं ने एग्जाइल में 15 साल बिताए थे, एक निष्कासित राजा के रूप में, एग्जाइल्ड शासक के रूप में 15 साल बिताए थे। तो जब भारत में आते हैं 1555 में हुमायूं वापस, तो अपने साथ पर्शियन पेंटर्स लेकर आते हैं अब्दुल समद और मीर सैयद अली। उसके अलावा ये जो पेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ये सेम पेंटर्स आपको अकबर के जमाने में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हुमायूं के जो पेंटर्स हैं अब्दुल समद और मीर सैयद अली, ये आपको अकबर के जमाने में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके अलावा अकबर के जमाने में जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स बनाई गई, इसके अंदर फेमस एग्जाम्पल है तूती नामा का। उसके अलावा आईने अकबरी,
अकबरनामा भी जिसको कहते हैं, इन सब में भी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी जो कि टेक्स्ट को और ज्यादा इलेबोरेट करती है। ठीक है, चलिए, तो पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी जैसे तूतीनामा अकबर के जमाने में। तूतीनामा मतलब स्टोरी ऑफ ए पैरट, एक तोते की कहानी पर आधारित है ये पेंटिंग, और तूतीनामा का पार्ट आपको देखने को मिलती है अकबर के जमाने में। अकबर का पेंटिंग्स में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है वो यहां पर देखते हैं। तो पहली बात तो आपको यह पता चल गया है कि मुगल थीम क्या है। मुगल पेंटिंग्स की थीम है किंग्स, ठीक है, उसके अलावा वॉर्स के सीन, और उसके अलावा जो कोर्ट है, दरबार है, वो कैसा लग रहा है उसका आपको डिपिक्शन जो मिलेगा वो बेसिक थीम मिलेगी आपको मुगल पेंटिंग्स की। ठीक है, अगर यहां पर बात करें, अकबर ने कारखाने एस्टेब्लिश किए थे जहां पर स्किल्ड वर्कर्स एक खास प्रकार का काम करते थे, ऐसे में यहां पर तस्वीर खाना भी एस्टेब्लिश किया था, एक अलग ही आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट या स्टूडियो जिसके अंदर कई पेंटर्स आते थे जो कि सैलरी पर हायर्ड होते थे और वो पेंटिंग करते थे, और ऐसे में कई अलग अलग स्टाइल ऐसे में डिवेलप हुए। तो अकबर के जमाने में या फिर आप कह सकते हैं मिडिवल जमाने के अंदर भारत के अंदर, क्योंकि पहले प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो हर चीज हाथ से बनानी होती थी, तो पेंटर्स को हायर किया जाता था सैलरी पे। उसी तरह से ट्रांसलेशन करने वाले जो लोग थे वो भी हायर्ड होते थे सैलरी पर। जो लोग प्रिंटिंग नहीं होती तो हाथ से चीजें लिखते थे वो भी हायर्ड होते थे। उसी तरह से यहां पर तस्वीर खाना बनाया गया जहां पर पेंटर्स जो थे यहां पर पेंटिंग करते थे। और कहता है कि अकबर के जमाने में डिफाइनिंग फीचर जो है वो है कि थ्री डायमेंशन में कोशिश की जाती थी कि फिगर्स जो है उसके अंदर कोई पर्सन है, व्यक्ति है, जिसको भी दर्शाना है थ्री डायमेंशन के अंदर दर्शाने की उसको कोशिश की जाती थी। साथ ही में यूज ऑफ कैलीग्राफी जो है पेंटिंग्स में उसको भी एनकरेज किया गया। ठीक है, तो कैलीग्राफी मतलब कुछ लिखना, वहां पर इसका इस्तेमाल किया गया कैलीग्राफी का पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि भाई यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है पेंटिंग्स का पॉपुलर आर्ट से कोर्ट आर्ट के रूप में। कैसे, इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि पेंटिंग्स लोग अपने हिसाब से अपने शौक के लिए करते थे, लेकिन अब दरबार के अंदर उनको सैलरी पर रखा गया है पेंटिंग करने के लिए। तो यहां पर जो कि एक पॉपुलर आर्ट थी, लोग अपने शौकिया तौर पर करते थे, कहानी सुनाने दिखाने के पर्सपेक्टिव से करते थे, ठीक है, ट्रेडिशनली करते थे, त्योहारों पर करते थे जो पेंटिंग, अब यहां पर सरकार करवा रही है, यानी कि साम्राज्य करवा रहा है, और उसके लिए वो पैसे भी दे रहा है, सैलरी भी दे रहा है। तो यहां पर जो पॉपुलर आर्ट हुआ करती थी, जो लोगों की आर्ट थी, अब वो दरबार की आर्ट बन गई है, और दरबार हायर करता है लोगों को पेंटिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं अकबर के जमाने में मिनिएचर पेंटिंग्स आपको इस तरह से देखने को मिलती है। यहां पर पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलता है, साथ ही में यहां पर आपको देखने को मिलता है कि किस तरीके से दरबार को दर्शाया गया है, कोर्ट यहां पर दर्शाया गया है। उसके अलावा यहां पर अगर बात करें फेमस पेंटर्स कौन थे, दसवंत, बासवान और केसु आपको फेमस पेंटर आपको मिलेंगे अकबर के जमाने में। ठीक है, उसके अलावा यहां पर कहता है कि इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट जो थी उनमें पेंटिंग्स जोड़ी गई अकबर के जमाने में, कौन सी थी, हमजानामा, अनवर सुहेली और गुलिस्तान ऑफ सदी। ठीक है, ये सभी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी, और साथ में तूतीनामा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इन सभी पेंटिंग्स के अंदर, इन सभी पेंटिंग्स, ये सभी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी इनमें पेंटिंग्स जोड़ी गई। अकबर के बाद आपको देखने को मिलते हैं जहांगीर, और जहांगीर के ऊपर क्वेश्चन 2019 में आ चुका है। जहांगीर की जो पेंटिंग्स है इस पर क्वेश्चन 2019 में आ चुका है, इस चीज को याद रखेंगे। कहता है जहांगीर के जमाने के अंदर मुगल पेंटिंग्स अपने पीक पर, जेनिथ पर पहुंच गई थी। कैसे पहुंची थी वो यहां पर देखेंगे। एक बार आप जहांगीर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को आप यहां पर देखिए। जहांगीर की पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो जहांगीर ने पोर्ट्रेट्स पर फोकस करा, जहांगीर के जमाने में पोर्ट्रेट्स पर फोकस किया गया, और इंसानों के नहीं बल्कि जानवरों के पोर्ट्रेट्स पर काफी फोकस यहां पर किया गया। ठीक है, तो इंसानों के साथ साथ जानवरों के, खास तौर पर जानवरों के पोर्ट्रेट्स पर यहां पर फोकस किया गया। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी कि आप देखिए कैसे थ्री डायमेंशनल लुक आपको आती हुई मिलेगी जानवरों के पोर्ट्रेट्स में, और साथ में यहां पर बॉर्डर्स पर
खास प्रकार से सजावट पर बहुत फोकस किया गया। इससे पहले अगर आप देखेंगे किसी भी पेंटिंग में, अकबर की पेंटिंग्स देख लीजिए या उससे पहले कोई सी भी आप एक्स वाई जेड पेंटिंग्स अगर आप देखेंगे, तो आपको कहीं पर भी इतनी सुंदर बॉर्डर्स बनती हुई नजर नहीं आएंगी जैसी जहांगीर के जमाने में यहां पर की गई। और डबल बॉर्डर्स आपको देखने को मिलेगी, अंदर भी बॉर्डर है बाहर भी बॉर्डर है, तो बॉर्डर्स को भी सजाया गया जहांगीर के जमाने में। और नेचुरल चीजों के ऊपर फोकस किया गया जो कि आप देख चुके हैं, फ्लोरा और फौना यानी कि पेड़ पौधों पर, पक्षियों पर, जानवरों पर, ट्रीज पर, फ्लावर्स पर फोकस यहां पर किया गया। और पोर्ट्रेट पेंटिंग पर खास तौर पर फोकस किया गया नेचुरलिज्म के साथ साथ। साथ में यहां पर मार्जिन जो थे उनको सजाया गया, ऑलरेडी देख चुके हैं। और मोस्ट फेमस पेंटिंग्स आपको कौन से मिलेगी, एक जेब्रा का पोर्ट्रेट, उसके अलावा एक आपको यहां पर देखने को मिलता है जैसे बकरी है इस टाइप का पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलता है। साथ में आपको यहां पर टर्की जो एक बर्ड होता है उसका पोर्ट्रेट आपको देखने को मिलता है। और जहांगीर के जमाने के फेमस जो पेंटर थे उनका नाम था उस्ताद मंसूर। ठीक है, तो याद रखेंगे, पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है उस्ताद मंसूर आपको कौन से साम्राज्य के जमाने में एक फेमस पेंटर नजर आते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। तो उस्ताद मंसूर आपको फेमस पेंटर नजर आते हैं जहांगीर के जमाने में। ठीक है, उसके अलावा कहता है कि यहां पर एक एनिमल फेबल अयार ए दानिश जो है इसको इलस्ट्रेट किया गया था, यानी कि अयार ए दानिश जो कहानी थी, ठीक है, ये एक एनिमल फेबल है, कहानी है, जानवरों के ऊपर आधारित कहानी है, इसमें पेंटिंग्स जोड़ी गई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां पर उस्ताद मंसूर फेमस पेंटर थे। तो अब आपको पता चल गया थीम क्या थी जहांगीर की पेंटिंग्स की, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना, यानी कि नेचुरल थीम्स थी। दूसरा, यहां पर बॉर्डर्स जो थी ये काफी ज्यादा डेकोरेटेड हुआ करती थी और पोर्ट्रेट पर फोकस किया गया। ठीक है, थीम में याद रखेंगे पोर्ट्रेट पर फोकस किया गया, जहांगीर की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुगल पेंटिंग्स अपने पीक पर पहुंचती है जहांगीर के जमाने में। इसके अलावा शाहजहां के जमाने की अगर बात करें, तो जब भी शाहजहां का नाम सुनते हैं तो शाहजहां से हमारे दिमाग में आर्किटेक्चर पर ही ज्यादा फोकस जाता है। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि शाहजहां के जमाने में आर्किटेक्चर अपनी पीक पर जाता है, लेकिन पेंटिंग अगर पीक पर जाती है तो जहांगीर के जमाने में जाती है। शाहजहां के जमाने में आपको पेंटिंग जो देखने को मिलेगी वो थोड़ी ऐसे मुरझाई हुई और डल पेंटिंग सी देखने को मिलती है, जिसमें कलर्स कोई बहुत ज्यादा शार्प कलर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन यूरोपियन एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे यूरोप की पेंटिंग्स में हेवन को दर्शाया जाता है बादलों से, एंजल्स को दर्शाया जाता है, ऐसे आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ही यहां पर एंजल्स को दर्शाया गया है बादलों से शाहजहां के ऊपर। और शाहजहां की पेंटिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक आर्टिफिशियल एलिमेंट यहां पर पेंटिंग में क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। ये क्या है, ये आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऊपर शासक के ऊपर आपको एंजल्स दिखाए गए हैं, उसके अलावा शासक के चारों तरफ आपको हालो देखने को मिलता है, हालो जो कि एक तरह का यहां पर शासक का प्रभाव दिखाने के लिए कोशिश की गई है, एक लाइट के थ्रू, एक ग्लोइंग लाइट शासक के पीछे दिखती है, ये शाहजहां के जमाने में आपको देखने को मिलता है। ये क्या है, ये सब आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो पेंटिंग के अंदर आर्टिफिशियल एलिमेंट पर फोकस किया गया, जबकि जहांगीर को देखेंगे तो जहांगीर के जमाने में नेचुरल एलिमेंट्स पर फोकस किया गया है। ठीक है, दूसरा, फोटो के अंदर आपको लाइवलीनेस रिड्यूस होती हुई नजर आएगी। और पेंटिंग अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग के अंदर लाइवलीनेस आपको नजर नहीं आती है, शासक सिंपल बस खड़े हुए हैं, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है, इस तरह की जो पेंटिंग्स है जिसके अंदर लाइवलीनेस नजर नहीं आती है शाहजहां के जमाने में आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा यहां पर चारकोल से पेंटिंग ड्रॉ करने की बजाय पेंसिल का इस्तेमाल करके पेंटिंग को ड्रॉ करने पर फोकस किया गया। ठीक है, और कहता है कि यहां पर देखने को मिलता है कि शाहजहां के जमाने में भी ब्राइट कलर पर फोकस करने की कोशिश की गई थी। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको साफ साफ यूरोपियन एलिमेंट देखने को मिलता है, और शायद यही वजह होगी कि पेंसिल का इस्तेमाल यहां पर एनकरेज करने की कोशिश की गई होगी। मुगल पेंटिंग में जो आखिरी शासक थे, इंपॉर्टेंट पावरफुल शासक, वो थे औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब के जमाने की अगर बात करें तो कहता है कि यहां पर ज्यादा इन्होंने पेंटिंग्स पर फोकस दिया नहीं, और क्योंकि जैसा आप जानते हैं अपनी रिलीजियस
रिजिड पॉलिसीज की वजह से फेमस थे औरंगजेब। म्यूजिक को बैन कर दिया था, पेंटिंग्स वगैरह सारी चीजें, और इसी वजह से यहां पर पेंटर्स जो थे माइग्रेट करने लग गए थे मुगल साम्राज्य से। और फिर ये अलग अलग जगहों पर राजस्थान के अंदर पहाड़ी इलाकों में वहां पर जाकर एज ए पेंटर जॉब करने शुरू कर रहे थे। ठीक है, तो अगर यहां पर बात करें औरंगजेब के जमाने में पेंटर जो थे मुगल दरबार को छोड़कर जाने लगे और अलग अलग जो रीजन्स थे जैसे पहाड़ी साम्राज्य थे वहां जाने लगे, राजस्थान में जाने लगे, ताकि नौकरी वहां पर पा सकें और अपना पेंटिंग का काम कर सकें। ठीक है, तो यहां पर औरंगजेब के जमाने में पेंटिंग्स के अंदर आपको शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, पेंटिंग्स के अंदर आपको शार्प डिक्लाइन देखने को मिलता है औरंगजेब के जमाने में। ठीक है, तो यहां पर हमने मुगल जमाने तक की पेंटिंग्स पूरी कर ली है। तो अगर बात करें मिनिएचर पेंटिंग में, पाला स्कूल हो गया, अपभ्रंश स्कूल हो गया, डेक्कन स्टाइल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया और मुगल पेंटिंग्स यहां पर हो गई है। अब हमारा मिनिएचर पेंटिंग्स में बचा है रीजनल स्कूल्स और मिनिएचर ऑफ साउथ। ठीक है, रीजनल स्कूल्स और मिनिएचर ऑफ साउथ यहां पर बचा है। ठीक है दोस्तों, ये जो आगे के स्कूल्स हैं इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर इसके बाद हमें कुछ और भी पेंटिंग्स पढ़नी है और फिर वो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी, एक वीडियो ढाई से तीन घंटे से भी लंबी बन जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सेकंड पार्ट में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर अभी यहां पर बात करें और भी कई सारी हमें पेंटिंग्स यहां पर पढ़नी है, बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर मिनिएचर पेंटिंग में हमें और भी कई सारी पेंटिंग पढ़नी है। उसके अलावा मिनिएचर के बाद हमें मॉडर्न पेंटिंग्स भी पढ़नी है और फिर फोक पेंटिंग्स भी पढ़नी है। ठीक है, तो बहुत सारी पेंटिंग्स अभी बची है, नेक्स्ट क्लास में इस पेंटिंग के टॉपिक को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, और याद रखेंगे सब कुछ कवर होगा, एक भी पेंटिंग यहां नहीं छोड़ी जाएगी, इसलिए क्लास काफी लंबी होने वाली है। ठीक है, चलिए, एक भी पेंटिंग नहीं छोड़ी जाएगी और पूरे तरीके से यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर पेंटिंग्स को टेबल की फॉर्म में भी कवर किया जा रहा है। ठीक है, ताकि सभी पेंटिंग्स को आप कंपेयर कर पाएं अपनी आंखों के सामने, लोकेशन, थीम और फीचर सब इस तरह से यहां पर सिंप्लीफाई करके आपको दिया जाएगा। तो यहां पर सेशन के साथ जुड़े रहेंगे दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं 50% डिस्काउंट अभी यहां पर इन कॉम्प्रीहेंसिव बैच पर चल रहा है। ठीक है, अगर आपको इसमें एनरोल करना है, ठीक है, 6 महीने का एक्सटेंशन लेना है, इंग्लिश मीडियम बैच है ये, यहां पर आपको कोड लगाना होगा SMK Live। ठीक है, SMK Live। उसके अलावा हिंदी मीडियम का लक्ष्य बैच आपको देखने को मिलता है, साथ ही में यहां पर सिंगल सब्सक्रिप्शन से मल्टीपल ऑप्शनल्स को एक्सप्लोर आप कर सकते हैं और अपना पसंदीदा ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, कोड लगाना होगा SMK Live। इसके अलावा याद रखेंगे NCERT बैच भी चल रहा है, जिसके अंदर 6ठी से 12वीं तक की NCERT आपको देखने को मिलती है, कोड लगाना होगा SMK Live। और ये बैच जो है सिर्फ 2999 में आप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में आप 6ठी से 12वीं तक की सभी NCERTs को अपनी कवर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद।